गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। क्लास आप लोग को मैं एक टास्क दे रहा हूँ, तो या भी हम थोड़ी देर पढ़ लेते हैं। आप लोगों ने प्रैक्टिस टेस्ट करना शुरू किया? नो सर, अभी नहीं सर। तो कर दीजिए उसको शुरू, ठीक है? आज से ही हम करेंगे, ठीक। आधा घंटा यहाँ करेंगे, बाद में करेंगे, पर अभी नहीं करें, पहले पढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद पहला तो ये बताइएगा कि आप सभी लोग ये स्टूडेंट लॉगिन यूज कर रहे हैं क्लास ज्वाइन कर? यस सर। यस सर। अगर कोई नहीं इसे ज्वाइन कर रहा, देखिए मुझे लिंक में केवल कुछ बच्चे हैं, पता नहीं क्यों वो क्यों नहीं करना चाहते, वो मेरी समझ से बाहर है। परंतु मैं सबको ये बोलूंगा, आपको केवल यहीं से ज्वाइन करना है। अदरवाइज आपकी एब्सेंट लगी होगी, और जब 15 दिन बाद अटेंडेंस आपकी चेक की जाएगी तो आपके पास फिर नेगेटिव नोट आ जाएगा कि आप क्लास, आपने ये क्लास नहीं की, वो क्लास नहीं की, और उसके बाद शायद आपको लगे कि अरे सर मैंने तो की थी, मेरा नाम तो है यहाँ पर, फिर आप मेरे पास शिकायत करेंगे। तो कृपया करके यहाँ से जाकर स्टूडेंट लॉगिन अपना क्रिएट करके और उसके बाद आप को यूज़ करें। तो ये मुझे कहना था। तो सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, केवल और केवल यहाँ से स्टूडेंट लॉगिन से आने के बाद ही क्लास ज्वाइन करें। लिंक मैं भेज देता हूँ, ऐसे ही भेज देता हूँ ना चाहते हुए भी, पर आप लोग सभी लोग यहाँ से ज्वाइन करें, नहीं तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, बाद में भी करें। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस नए ऐड किए हैं मैंने इंटरनेशनल टेस्ट उसके प्रैक्टिस के लिए, और साथ साथ हम लोग एक टेस्ट करने वाले हैं। तो कल मैं आपको एक टेस्ट दूंगा, वो टेस्ट आपको करना है, ठीक? इंटरनेशनल का ही अगला वो टेस्ट होगा। हेलो सर। ये हमने कल कंप्लीट कर लिया था क्या? नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। वर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। हेलो। हाँ हाँ। हेलो सर, आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है। अब शो हो रही है सर। रिकॉर्डिंग पे लगा दीजिए। लगा दिया। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कल हम इसकी बात कर रहे थे, हमने इसके बारे में बात की थी। तो चलो ऐसा करते हैं, सबसे पहले आज रिव्यू कर लेते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ लिया था। कल हमने पढ़ा था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि एक ये संस्थान है, दुनिया का इंटरनेशनल संस्थान है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है, और इसका उद्देश्य है कि दुनिया भर में जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट किया जाए और प्रमोट किया जाए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कॉपीराइट इंक्लूडेड होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ट्रेडमार्क्स इंक्लूडेड होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स इंक्लूड होते हैं, इसमें डिज़ाइंस इंक्लूडेड होते हैं। भारत ने भी रिसेंटली कॉपीराइट अधिनियम में कुछ चेंजेस किए हैं, जिनके द्वारा कोई भी लिखा हुआ वर्क अगर आप उसे कॉपीराइट नहीं भी कराते तब भी वो कॉपीराइट के दायरे में आएगा। अगर आपने कोई वर्क किया है, काम किया है, तो वो तुरंत कॉपीराइट के दायरे में आएगा। ये अधिनियम पास किया गया है कुछ समय पहले। इसके ऊपर चलते हैं। हमने वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी।
वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम है दुनिया भर की मीट्रोलॉजी यानी कि वेदर और क्लाइमेट कंडीशन पर नज़र रखना, हाइड्रोलॉजी जो दुनिया भर में पानी व्याप्त है उस पर उसका एक सर्वे करना, उसका आंकड़ा अपने पास रखना, जियोफिजियोलॉजिकल साइंसेज जो अदर अर्थ रिलेटेड साइंसेज हैं उन पर, जियोफिजियोलॉजिकल साइंसेज हैं उन पर नज़र रखना। इसके ऊपर है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे नागरिक उड्डयन यानी कि सिविल एविएशन का को इंटरनेशनली कोऑर्डिनेट करता है और इकोसॉक का एक हिस्सा है, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। आईएमओ जो है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हमारी पूरी दुनिया की शिपिंग, जो इंटरनेशनल शिपिंग है जो जहाज है पानी के जहाज सामान को इधर से उधर लाते हैं, उसको लाना ले जाना, उसका रखरखाव देखना, जो भी इश्यूज हैं शिपिंग रिलेटेड उनको कोऑर्डिनेट करना, आपस में एक दूसरे के बीच में सहयोग को पैदा करना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका उद्देश्य है दुनिया के सभी नेशनल हेल्थ बॉडीज का रीजनल हेल्थ बॉडीज के बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप करना, जो भी पूरी दुनिया में बेटर हेल्थ बेटर न्यूट्रिशन को प्रमोट करना। इसकी जो कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है, जो इसकी मुख्य बॉडी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है, जिनेवा इसका हेडक्वार्टर होता है। भारत की एक साइंटिस्ट है सोमिया स्वामीनाथन, वो इसमें डायरेक्टर जनरल पद पर हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हमारे जितने भी हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम हैं, चाहे पोलियो, जितना वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोग्राम है, उस पर ध्यान रखता है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसको प्रमोट करता है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में पीस को प्रमोट करता है, और पीस को प्रमोट करता है बाय मींस ऑफ बाय एजुकेशनल मींस, बाय साइंटिफिक प्रमोशन ऑफ साइंस, बाय प्रमोशन ऑफ कल्चर, इन सब के द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को हमारे बीच में पीस को प्रमोट करता है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर रोम में है और ये दुनिया भर में हंगर को मिटाने के लिए, भूख को ख़त्म करने के लिए और न्यूट्रिशन को बेहतर करने के लिए काम करता है। इसके जो मुख्य कार्यक्रम हैं वो है कोडेक्स एलिमेंटेरिस, IPPC इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, ये इसके कुछ मुख्य कार्यक्रम हैं FAO के। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, ये हमारे जितने लेबर इश्यूज हैं, लेबर के काम हैं, जो हमारे श्रमिक हैं उनके अधिकारों को सुनिश्चित करना, उनके वेलफेयर को प्रमोट करने का काम करता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और ये एक ऐसा संस्थान है जो यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है परंतु यूनाइटेड नेशन के बनने से पहले से बना हुआ है। ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है 1919 में बनाया गया था, ट्रीटी ऑफ वर्साई के समय, जब ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई उसी समय पर इसको बनाया गया, लीग ऑफ नेशन के साथ बनाया गया था। और ये दुनिया भर में जो मजदूरों के अधिकार हैं, श्रमिकों के अधिकार हैं, उनके लिए काम करता है, उनके लिए एफर्ट करता है। इसके 8 कोर कन्वेंशन हैं, फोर्स लेबर कन्वेंशन है कि किस प्रकार से, मतलब जिसके काम के क्षेत्र हैं उनमें इंक्लूड करते हैं फोर्स लेबर, कि कैसे हम जो बलात् श्रम होता है, जबरदस्ती किसी से काम कराया जाता है उसको रोक सकते हैं, कैसे हम इक्वल वेजेस का फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि इक्वल वर्क इक्वल पे, डिस्क्रिमिनेशन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, जो चाइल्ड लेबर है उसको कैसे यहाँ से प्रिवेंट किया जाए,
और लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो एसोसिएशन है, जो यूनियन फॉर्मेशन है, उसको कैसे मेंटेन किया जाए। यूनियन बनाना मजदूरों के हितों के लिए आवश्यक है, एसोसिएशन बनाना उनके लिए आवश्यक है, ये आईएलओ मानता है, क्योंकि ये जो एसोसिएशन है ये मजदूरों के हितों को, मालिकों को मजबूती के साथ रखने की क्षमता रखता है। इससे पहले हमने पढ़ा था इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एक ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में हुई। 1944 में हुई इस कॉन्फ्रेंस के दौरान दुनिया का रिकंस्ट्रक्शन की स्ट्रेटजी बनाई गई ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में। खासतौर में यूरोप में जो वर्ल्ड वॉर टू के समय में तबाही हुई, तो उसको कैसे दोबारा से स्थापित किया जाए। जी बीसीए कैसे हमारे इस मॉनेटरी फंड को का एक उद्देश्य ये बनाया गया ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उद्देश्य था कि किस प्रकार से हम दुनिया में आर्थिक रूप से कैसे हम पीस एंश्योर कर सकते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के द्वारा और डेवलप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के द्वारा, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन की कितनी ज़रूरत है इसको पूरा करने के लिए ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में मुख्यतः दो ऑर्गेनाइजेशन, ट्विन ऑर्गेनाइजेशन निकले थे, उसमें से एक है हमारा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड किसी भी देश की जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हैं उनको पूरा करने का काम करता है। यदि किसी देश को किसी कारण से आवश्यकता है, आर्थिक तंगी से वो गुजर रहा है, आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है, तो उसे शॉर्ट टर्म के लिए कुछ फंडिंग का मैकेनिज्म है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। हेलो आईबीआरडी। हाँ जी बोलो। हाँ बोलो सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, आईएमएफ से रिलेटेड। सर गोल्ड ट्रेंच क्या होता है सर, एक बार थोड़ा बता दीजिए। गोल्ड ट्रेंच इसका एक रिजर्व का सिस्टम है। एक काम करेंगे, अभी घबराओ मत। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को हम जो है गोल्ड, ये एसडीआर, ठीक है, जीडीआर, स्पेशल ड्राइंग क्या होते हैं, गोल्ड ट्रेंच क्या होते हैं, ये सब हम आराम से विस्तार से पढ़ेंगे इकोनॉमी में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आईएमएफ ना केवल अभी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ ये जितने बैंक्स हम पढ़ रहे हैं ना, ये बैंक्स हम इकोनॉमी में भी पढ़ेंगे, तो हम वहाँ पर इस पर विस्तार से बात करेंगे। अभी हम इसको केवल इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके सर। वहाँ एक पर्सपेक्टिव में पहले बैंकिंग को समझना होगा, तब हम ये जो ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट क्या होते हैं, गोल्ड ट्रेंच क्या है, रिजर्व का सिस्टम क्या होता है, उसको हम जानेंगे। आईबीआरडी है हमारा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसका उद्देश्य था कि हमारे जो उस समय दुनिया में जो विध्वंस हुआ था, यूरोप में जो विध्वंस हुआ था, उसको कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाए और जिन देशों को उस रिकंस्ट्रक्शन के लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, बैंकिंग रिक्वायरमेंट है, लोन की रिक्वायरमेंट है, उनको कैसे पूरा किया जाए, इस उद्देश्य से यह आईबीआरडी बनाया गया था 1945 में। और आज के समय में ये सभी देशों की जो इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट होती हैं उनको पूरा करने का, जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, हम बैंकिंग की भाषा में इसको शॉर्ट टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स बोलते हैं, ये देने का काम करता है। वर्ल्ड बैंक की हमने इससे पहले बात की थी, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, वो एक संस्थान नहीं है बल्कि ग्रुप ऑफ संस्थान है, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है। इस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में 5 इंस्टीट्यूशन शामिल हैं, ठीक है, 5 शामिल होते हैं। पहला है आईबीआरडी, जो कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है। दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तीसरा है इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन।
चौथा है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं, और ICSID जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेटलमेंट फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। यानी कि यदि किसी देश के कोई इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट खड़े होते हैं दो देशों में पैसे के लेन देन के कारण, इन्वेस्टमेंट के कारण डिस्प्यूट खड़े होते हैं, तो उनको सुलझाने का एक मैकेनिज्म है और एक ऐसा सिस्टम बनाए रखने के लिए ये ICSID है, मीगा है, IBRD है, IDA है और IFC है। ये पांचों संस्थान हमारे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के हिस्से हैं। ट्रस्टीशिप सर, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया अगर पीटी में कि इंडिया जो है वर्ल्ड बैंक का ग्रुप का मतलब मेंबर है या नहीं है, तो सर ये चार ऑर्गेनाइजेशन का तो है और इसका जो लास्ट वाली है ये ICSID का तो नहीं है, तो ये सर क्या होगी, वो स्टेटमेंट सही होगी या गलत होगी सर? देखो, अगर वो ये सवाल आता है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, पहले तो ये सवाल अगर बिल्कुल जैसे तुमने बोला लेजिट सवाल नहीं है तो वो शायद नहीं आपको देगा, ठीक। अगर मान लो फिर भी, क्योंकि ये सब चीजें कंसेप्चुअल बेस्ड होती हैं, अब किसी ने दे दिया तुम्हें वर्ल्ड बैंक ग्रुप का तो तुम क्या बोलोगे फिर? हाँ, तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए यस और नो में से, और क्यों सर? क्योंकि तुम्हें जब ये पांच, हाँ जी सर, सबको ये मतलब इंक्लूड करके है तो फिर नहीं होना चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए सर स्टेटमेंट। नहीं, मैं शायद इस केस में उस तरफ नहीं जाना चाहूंगा अगर मैं तुम्हारी जगह पर होऊंगा, क्योंकि टोटलिटी के 100% के प्रिंसिपल पर ना जाकर मैं मेजॉरिटी के प्रिंसिपल पर जाना चाहूंगा अगर मैं व्यक्तिगत रूप से पूछूं और कोई मुझसे पूछे वर्ल्ड बैंक, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की उसकी अपनी अवधारणा क्या। पहले तो सवाल अगर थोड़ा सा गलत है, पर कभी कभी गलत सवाल भी आ जाते हैं, कई बार थोड़े से ट्रिकी सवाल भी आ जाते हैं, तो ऐसे में हमारे को अपनी जो कॉमन सेंस अप्रोच है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। कॉमन सेंस अप्रोच का हमेशा MCQ में रोल होता है। आपको बहुत जगह इस तरीके के, ये डायरेक्ट चैलेंज नहीं आएगा, UPSC में आपको ये इस तरीके की परेशानी बहुत कम आएगी, पर अगर आती भी है तो स्टिल आई फील कि वी शुड गो बाय मेजॉरिटी प्रिंसिपल, क्योंकि वो अधिकांश बॉडीज में, एक तो चार में हिस्सा है, एक में हिस्सा नहीं है, और वो जो एक बॉडी है वो भी इन मतलब उस तरीके से सिग्निफिकेंट नहीं है कि जो वर्ल्ड बैंक का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट वो बैंकिंग रिलेटेड है, बाकी बॉडीज उसकी सपोर्टिंग एजेंसीज हैं। तो मेरी राय में अगर ये कोई सवाल दे ही दे, पहले तो उसे देना नहीं चाहिए, पर अगर कोई दे ही दे तो यू शुड गो फॉर यस इट इज मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक बाय गोइंग बाय मेजॉरिटी प्रिंसिपल, ठीक है। हाँ सर, अगर जैसे हम यहाँ से लिखना चाहें मतलब नोट्स ये, तो सर लिख सकते हैं हम डिटेल में जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? बिल्कुल लिखना है, लिख सकते नहीं है, आपको लिखना ही है। आपको जैसे मैं लिख के ही बता देता हूँ, अगर मैं आपकी जगह लिख रहा हूँ तो मैं लिख लूंगा ना, और लिखना तो है ही है IBRD, अब बिना लिखे थोड़े मुझे याद रहेगा। मैं आप नोट्स बनाने की बात कर रही है ना, अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ सर, जैसे यहाँ से स्क्रीन से लिख सकते हैं ना थोड़ा थोड़ा डिटेल में? बिल्कुल लिख सकते नहीं, लिखना है, अगर कोई नहीं लिख रहा तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, आपको लिखना ही है, याद कैसे रहेगा? अभी बात करेंगे, शाम को मैं आपसे पूछूंगा, इसमें से आप ये समझिए 10% भी याद रहे तो बहुत बड़ी बात मानिएगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। तो आपको अपना बनाना ही है, उसका कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब जैसे आप कोई भी नोट्स बना रहे हैं, मैं जैसे वो सर्कल ना इसीलिए कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि किसी भी चीज के सारी चीजों को कहानी लिखने का, अभी ये इतनी कहानी लिखोगे तो इससे तो पेज पूरा भर जाएगा और इसका कोई यूज भी नहीं, क्या करोगे सब याद करके? पहले नंबर तो नाम याद कर लेते हैं, ये बहुत जरूरी है, ये लिख लो ट्रस्टीशिप काउंसिल। अगर इसकी कोई एब्रीविएशन है, जैसे इसकी कोई एब्रीविएशन नहीं है पर IBRD की थी, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो ये लिख लो, ये लिख लिया। उसके बाद फिर देखो फॉर्म टू प्रोवाइड इंटरनेशनल सुपरविजन फॉर, अब सबसे पहले क्या हमने क्लास में क्या चर्चा की थी कि वॉट इज दिस वॉट, तो हमारा व्हाट का आंसर हो रहा है, लेट्स से IBRD के एग्जांपल या ट्रस्टी, व्हाट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है, या व्हाट इज IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो व्हाट हो गया। ये क्या करता है? ये करता है प्रोवाइड्स इंटरनेशनल सुपरविजन फॉर 11 ट्रस्ट टेरिटरी, बस
प्रोवाइड को भी हटा दो, क्या करता है, इंटरनेशनल सुपरविजन ऑफ 11 ट्रस्ट टेरिटरी, ये करता है ये प्रेसिडेंट सोएंसो सोएंसो। अब ये खत्म हो गया इसका काम, एक्चुअली ये टॉपिक बहुत गड़बड़ है, ठीक है। 1994 में हैज अटेंड सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब ऐसे कुछ क्षेत्र थे जिनको यूनाइटेड नेशन की सुपरविजन में रखा गया था ताकि वो बाद में या तो अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बना लें या इंडिपेंडेंस ले लें। तो केवल हम इतना लिख लेते हैं कि कुछ टेरिटरीज को इसके अंदर रखा गया था 1994 में तक, यहाँ सभी क्षेत्रों को में आज़ादी इन्होंने प्राप्त कर ली, और लास्ट क्षेत्र था पलाऊ, उसके बाद से इसका काम 1994 के बाद यूनाइटेड नेशन ने इसका काम बंद कर दिया। तो कम से कम मैं ये 3-4 पॉइंट इसके बारे में लिखना चाहूँगा, ये क्या है, ये क्या करता है, Why it has been formed, ठीक है, how, अभी इसमें how की जरूरत कि ये वैसे बहुत defunct body है trusteeship council, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है, तो इसके how को लिख लो, when इसमें आ जाना चाहिए अगर when कहीं है तो बस इतना ही लिखना है। एक चीज के बारे में आपको 5-7 पॉइंट्स लिखने बस, और पॉइंट्स का मतलब ये नहीं कि पूरे लाइन के लाइन, आपको बस इतना लिखना है ताकि आपको जब अगली बार पढ़ो आपको समझ आ जाना चाहिए। आपको एक तरीके की ऐसी लैंग्वेज डेवलप करनी होती है अपनी, जिसमें कि आप चीज़ों को, कई बार हम सिंबल भी बना लेते थे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये सिंबल बना दिया था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आता रहता है, यूएन तो यूएन ही लिखना है, जहाँ भी यूनाइटेड नेशन आएगा हम यूएन लिखेंगे, बड़े सारे सिंबल बना रखे थे इस तरीके से, अब तो देख नहीं आ रहे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी पढ़ते समय हर दूसरा शब्द कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। तो कुछ नई भाषा ईजाद करके अपने नोट्स बनाओ, नोट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको आखिर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब एग्ज़ाम दोगे तब बड़ी दिक्कत आएगी, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो भूल सब कुछ जाओगे, फिर लगेगा मेरे को साल भर मैंने करा क्या था। ठीक है, हमने ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में पढ़ा था कि ये ट्रस्टीशिप काउंसिल एक ऐसी बॉडी है जिसको बनाया गया था कुछ क्षेत्रों पर नजर रखने के लिए जो जब तक आजाद नहीं हो जाते या किसी दूसरे देश के साथ मिल नहीं जाते। 1994 से 1994 के बाद इसका काम बंद कर दिया गया, क्योंकि सभी टेरिटरीज को धीरे धीरे करके किसी न किसी देश की अधीनता में या उसको फ्री कर दिया गया, वो आजाद इंडिपेंडेंट हो गया। अगला जिस बॉडी के बारे में अब हम जो बात कर रहे हैं, इससे ऊपर बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन के जो अपने ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनमें हमने पढ़ा था ICJ, ठीक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अब ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं इस पर टाइम नहीं लगाऊंगा, इसे वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं, और ये दुनिया के देशों के बीच के केसेस को, ठीक है, किस तरीके के केसेस को हैंडल करता है, लीगल डिस्प्यूट बिटवीन नेशंस ओनली, केवल देशों के बीच के, इसमें 5 जजों को हर 3 साल 15 जज होते हैं, इसमें एक सेक्रेटरीट होता है यूनाइटेड नेशंस का जो सचिवालय, जिसको हिंदी में हम सचिवालय बोलते हैं, ये सचिवालय बेसिकली किसी भी, जैसे सरकार का एक सचिवालय होता है, उत्तर प्रदेश सरकार का एक सचिवालय होगा, हर सरकार का एक सचिवालय होता है, जहाँ उसके जो अधिकारीगण होते हैं वो बैठते हैं, नेता जो मिनिस्टर्स होते हैं वो बैठते हैं, और ये सचिवालय में जो रोजमर्रा का कार्य होता है वो होता है। फिर हमने इकोसोक के बारे में पढ़ा था, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पढ़ा था, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल में 5 सदस्य होते हैं परमानेंट और 10 सदस्य होते हैं नॉन परमानेंट, इस समय भारत भी इसका नॉन परमानेंट सदस्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के बाद जनरल असेंबली है जो ओवरऑल यूनाइटेड नेशन के बेसिक फंक्शन को मॉनिटर करती है, और ये यूनाइटेड नेशन हो गया। तो ये हमारे, ये काम हमें रेगुलरली करना है, जो मैं आपको अभी कर रहा था कि हमें बार बार जो चीज़ें हम पढ़ते जा रहे हैं उनको बार बार देखते जाना है कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, क्या क्या हमें याद है या नहीं याद है, ये हमें थोड़े थोड़े समय बाद चेक करना है। तो हमने अब आगे चलते हैं, वीपो की बात कर ली थी, वीपो के बाद अगला ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बात कर रहे हैं वो है ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एक संस्थान है, जैसे इसके नाम से क्लियर है,
क्या करेगा ये टेलीकम्युनिकेशन, जितने भी ये संस्थान हैं यूनाइटेड नेशंस के, ये दुनिया में जो भी इनका कार्य क्षेत्र है, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है, यूनाइटेड नेशन की ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, और ये एजेंसीज अपने क्षेत्र में इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन डेवलप करने का काम करती हैं। तो ये ITU है जो कि टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में काम करती है। इसके बाद IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एक फंड है, विशेष फंड है, जिसका उद्देश्य एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट है, कृषि का विकास है। कृषि का विकास, हमें अपने जो खाद्यान्न की जरूरत है दुनिया में, जो खाद्यान्न, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था 1945 में, मतलब अब भारत में कम से कम नहीं है, अभी भी कई देशों में ये समस्या है, फूड और हंगर एक बड़ी समस्या है, भारत में भी है पर दूसरे तरीके से। पर उस समय पर एक समय था जब भारत में भी फूड की अवेलेबिलिटी एक बड़ा इशू था, खाद्यान्न अवेलेबल था ही नहीं, जिसके कारण उसकी कालाबाजारी होती थी, उसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। तो फूड अवेलेबिलिटी हमारा एक बड़ा चैलेंज था, ऐसे ही दुनिया में बड़ा चैलेंज था। तो उसको डील करने के लिए, उससे निपटने के लिए, और फूड और एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट को फंड करने के लिए, बेहतर करने के लिए ये बनाया गया IFAD। IFAD का हेडक्वार्टर रोम में है और ये फूड एंड एग्रीकल्चर का हब है। एक और कार्यक्रम है जो एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों एक ही क्षेत्र में काम करते हैं, और ये इस दोनों का हेडक्वार्टर भी रोम में है, रोम इटली की राजधानी है, तो वहां पर ये इसका हेडक्वार्टर है रोम में। जो IFAD है, इसने ये वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस 1974 में सेटअप किया, और इसका काम है इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड हंगर इन रूरल एरियाज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके, उनमें पॉवर्टी को मिटाना और हंगर को मिटाना, और इसके लिए लो इंटरेस्ट लोन देता है, ये कम दर पर ब्याज ग्रांट्स देना। लोन और ग्रांट में अंतर क्या होता है? लोन पे इंटरेस्ट पे किया जाता है, ग्रांट्स पे नहीं किया जाता। ओके, बस सर, लोन से रिटर्न करना पड़ता है लेकिन ग्रांट से रिटर्न नहीं करनी पड़ती। वेरी करेक्ट, अब ये आंसर पूरा हो गया। ग्रांट में, ग्रांट एक तरीके का दान होता है कि जिसमें आपको ना तो कोई ब्याज देनी है, ना इंटरेस्ट देना है, और ना जैसे लोन को हमें वापस करना पड़ता है और ग्रांट को हमें वापस नहीं देना होता। तो जैसे उधार में और दान में जो अंतर है, तो एक ग्रांट एक प्रकार का दान है कि हमने आपको एक ग्रांट किया, ये आपको पैसा ग्रांट कर दिया, अब आप इससे अपना देखभाल कीजिए। तो ये लोन देना, लो इंटरेस्ट पर कम ब्याज दर पर लोन देना और ग्रांट देना, ये काम करता है ताकि दुनिया में जो खेती है उसका विकास हो सके। अगला ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है यूनिडो। यूनिडो क्या फुल फॉर्म है इसकी? यूनिडो की यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल है ये ध्यान रखिएगा, आई हम सब जगह पर इंटरनेशनल याद कर लेते हैं, पर यहाँ पर इट इज इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यूनिडो की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और क्योंकि अब हमें नाम याद है तो अब हमें ये भी पता चल गया इसका काम क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ये काम करता है। ये हमारी कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है, ये हमारे कोऑर्डिनेट करती है प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी,
सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, ये हम लोग विषय पढ़ेंगे बाद में भी, ये शब्द आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी इसका शब्द क्योंकि आ गया है तो इसको एक बार समझ लेते हैं, दोबारा से भी पढ़ेंगे व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हिंदी में इसको हम सतत विकास बोलते हैं, सर हमारे फ्यूचर फ्यूचर के लिए भी कुछ चीजों को जैसे बचा के रखना फ्यूचर के लिए इस तरीके से यूज करना जो हमारे प्रेजेंट में रिसोर्सेज है जो उनको सर फ्यूचर के लिए फ्यूचर टास्क की धारणा है। ठीक है आप लोग बंद कर सकते हैं। जो ट्रेडिशनल विकास की धारणा है, विकास की जो ट्रेडिशनल धारणा है उसमें विकास का मतलब होता है हम किसको विकास बोलते हैं कि कोई व्यक्ति जिसकी इनकम बढ़ रही हो, जिसके असेट्स बढ़ रहे हो, एजुकेशन बढ़ रही हो, ये हमारी विकास की एक साधारण धारणा है, ट्रेडिशनल धारणा है कि जिस देश में इनकम बढ़ रही है, असेट बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा खुल रही हैं, नए नए उद्योग खुल रहे हैं, तो ये हमारी विकास की एक अवधारणा है। और अगर इसे साधारण तरीके से बोले देश के लिए जीडीपी बढ़ना, जीडीपी का बढ़ना हम विकास मानते हैं, परंतु ये विकास की अवधारणा को सन 1980 का दशक आते आते 1980s का आते आते इस विकास की अवधारणा पर सवाल उठने लगे। बहुत सारे लोगों ने इस विकास को सही विकास नहीं माना, उन्होंने इसको एक सेल्फिश विकास माना। ये जैसे विकास है ये इसके साथ में कई और चीज़ें भी पैदा हो रही हैं, वो पैदा हो रही हैं जैसे जब हम विकास करते हैं, हम इंडस्ट्री लगाते हैं तो क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, जो अवेलेबल रिसोर्स एग्जॉशन होता है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो समाप्त हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो रिसोर्स एग्जॉशन हो रहा है, रिसोर्स की समाप्ति हो रही है, पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है। तो ऐसे विकास से क्या होगा कि हम लोग तो विकास कर लेंगे, हमने आज के समय में जो क्रूड ऑयल के कुएं थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पर है, शायद अगले 10 से 20 सालों के बीच में तेल के कुएं व्यापक रूप से ख़त्म हो जाएंगे। मतलब ख़त्म होने का मतलब ये है कि वो उनको उनसे तेल निकालना बहुत महंगा हो जाएगा आर्थिक रूप। हमने पॉल्यूशन का स्केल इतना ज़्यादा कर दिया है कि अब हमें अपने आप कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रोकना पड़ रहा है, जिससे हमारे पावर प्लांट कम होंगे, जिससे गाड़ियां कम होंगी। तो हमने जिस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ किया है और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट किया है, इससे जो हमारा विकास है वो हमारा मान लीजिए टाइम का और उसका ग्राफ है, ये हमारी इनकम है, इस तरफ इनकम चल रही है, इस तरफ टाइम चल रहा है, तो हमारा ये जो विकास का ग्राफ है वो ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, पर धीरे धीरे वो ये नीचे आ जाएगा। अब ऐसे में दिक्कत है कि हमने यहाँ से शुरू किया, हमने अपने 25 साल 50 साल तो खूब मजे किए, 25 साल हमने डेवलपमेंट किया, हमारे पास अभी जो है सारी सुख सुविधाएँ हैं, बिजली है, पानी है, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, पर 2050 के बाद क्या होगा या 2100 के बाद क्या होगा? लोग बच्चे तो पैदा होते रहेंगे, जो बच्चे अभी पैदा हो रहे हैं इनके बच्चे पैदा होंगे, तो जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए तो हमने कुछ छोड़ा ही नहीं, हमने जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो सारे एग्जॉस्ट कर दिए। अब वो बेचारे उनका डेवलपमेंट तो आपने खुद ही रोक दिया, उनका विकास हमारी पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों का विकास रोक रही है कि वो विकसित नहीं हो पाएंगे। हम तो बेहतर ज़िंदगी जी सके और उनके पास एक बेहतर ज़िंदगी नहीं होगी, हम अपनी पीढ़ियों के लिए ऐसा आने वाली पीढ़ियों के लिए ये प्रबंध कर रहे हैं। तो ये जो डेवलपमेंट की अवधारणा थी उस समय की, ये गलत समझी गई, माना गया कि हाँ ये गलत है, ये सही नहीं है, और हमें ऐसा विकास का मॉडल देखना चाहिए जो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल का मतलब लंबे समय चल सकता हो, सस्टेन कर सकता हो, जो खत्म ना हो।
सतत हो, सतत मतलब कॉन्टिन्यूस हो, कभी रुके ना, तो ऐसा डेवलपमेंट हमारे पास होना चाहिए। तो इसलिए हमें एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन और डेवलपमेंट की जो अवधारणा है उसको बदलना है। तो ये हमारा सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, और यूनिडो इन्हीं के लिए काम करता है कि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, औद्योगिकरण हो ज़्यादा से ज़्यादा, पॉवर्टी रिडक्शन हो, क्योंकि जब औद्योगिकरण होगा लोगों में पैसा आएगा तो गरीबी कम हो जाएगी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो, हमारा जो एनवायरमेंट है वो ज़्यादा सस्टेनेबल होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, और ये हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक और शब्द है यहाँ पर इंक्लूसिव। अभी हमने सस्टेनेबल का मतलब पूछा, सस्टेनेबल क्या होता है, सतत। इंक्लूसिव एक और शब्द है, इसका सर सबके लिए, सबके लिए समान, समावेशी हो, इसका मतलब होता है समावेशी। हम जब विकास की बात करते हैं, हम मान लीजिए देश में 100 लोग हैं और हम विकास की, इनकम की, नौकरी की, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, हम कहते हैं कि भाई सबको कोई ज़रूरत नहीं है, जो बड़े शहर में दिल्ली के अंदर में जो लोग रह रहे हैं वो लोग पढ़ लें, बाकी गांव देहात के लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, 20% आबादी पढ़ ले उसको नौकरियाँ मिल जाए, बाकी 80% आबादी बाहर रहे। ये लिंग के आधार पर भी हो सकता है कि पुरुष पुरुष पढ़ जाए, महिलाओं को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, उनको काम की क्या ज़रूरत है। किसी भी तरीके से यदि हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं विकास में तो वो इंक्लूसिव या समावेशी डेवलपमेंट नहीं होगा। समावेशी डेवलपमेंट इनइक्वल, अगर समावेशी नहीं होगा, डेवलपमेंट इंक्लूसिव नहीं होगा, तो वो क्या कर देता है, वो पीस को खतरा बन जाता है, शांति के लिए खतरा बनता है। जब शहर शहर में विकास होगा, गांव में विकास नहीं होगा, तो गांव के लोग कहीं ना कहीं शहर के प्रति दुर्भाव रखेंगे, और दोनों एक दूसरे के साथ मतलब इनके बीच में एक एट्रिशन, एक संघर्ष शुरू होगा, तो वो इंक्लूसिव नहीं होता। तो हमारा जो विकास का मॉडल होना चाहिए वो समावेशी होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए और सस्टेनेबल होना चाहिए, सबको साथ लेके चलो, और सतत मतलब जो अभी पैदा नहीं हुए हैं उनका भी ध्यान रखो, ये इसका एक उद्देश्य है। तो हमारे जो यूनिडो के उद्देश्य क्या है कि हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करें, अपने ह्यूमन रिसोर्स का इफेक्टिव इस्तेमाल करें, हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का, मैन पावर का, जो इंसान का रिसोर्स है, मानव संपदा का अच्छा इस्तेमाल करें, हम इक्विटेबल डेवलपमेंट करें, इक्विटेबल ऐसा विकास करें जो सबके लिए बराबर हो, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो और एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन हो। 170 देश के आसपास हैं, नई दिल्ली में इसका रीजनल ऑफिस है, ये इसका कार्यक्रम। अगला संस्थान पढ़ते हैं हम, इसका नाम है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म, UNWTO। ये सवाल हमारे समय आया था और 2-4-10 साल बाद सवाल आ जाते हैं, UNWTO क्या है, और बहुत लोग इसे उस समय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कंफ्यूज कर रहे थे। तो UNWTO इज नॉट WTO, UNWTO एंड WTO आर डिफरेंट, UNWTO एंड WTO आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। UNWTO मीन्स यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये संस्थान बनाया गया है, प्रमोशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल सस्टेनेबल एंड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज्म। क्या क्या करना है, रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म लाना है, सस्टेनेबल टूरिज्म जैसे हमने बात किया
कि हम ऐसा टूरिज्म भी ना करें कि अभी के लिए तो हम खूब टूरिज्म टूरिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए सब कुछ सत्यानाश कर दें, तो वो ना करें। और यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज्म, ये सभी के पास ये एक्सेसिबल हो टूरिज्म। और टूरिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्यटन। पर्यटन जो है सबके पास एक्सेसिबल हो। इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है, बस इसके अलावा इसकी और कोई जानकारी मुझे नहीं लगता हमें अभी इसकी जरूरत है। तो ये हमारा लेसन वन था, लेट्स स्टार्ट लेसन टू। हमने UNWTO पढ़ लिया, UNIDO पढ़ लिया, जितने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं इन सभी ऑर्गेनाइजेशन को आपको याद करना। इन स्पेशलाइज एजेंसीज के बाद जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है फंड्स एंड प्रोग्राम। कुछ ऐसे फंड्स हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो यूनाइटेड नेशन द्वारा चलाए जाते हैं, जहां से उसको बजट मिलता है। तो यूनाइटेड नेशन के जितने कार्यक्रम होते हैं उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उसको जो मिलते हैं, जो ऊपर हमने बात किए थे, उनको अपना पैसा कहाँ से मिलता है? उनको यूनाइटेड नेशन के बजट से पैसा मिलता है। यूएन का अपना बजट है, उसको सभी देश, या तो यूएन, यूनाइटेड नेशन का बजट कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है यूनाइटेड नेशन के पास? सर जो इसकी मेंबर कंट्रीज, सर उनकी मेंबर कंट्रीज उनको देती है, मेंबर्स देते हैं, कंट्री देती है। दो तरीके से कंट्रीब्यूशन से इनको पैसा मिलता है यूनाइटेड नेशन, क्योंकि ये कोई देश और कोई ऐसा संस्थान तो है नहीं, तो इसको पैसा कंट्रीब्यूशन से मिलता है। कंट्रीब्यूशन भी दो तरीके का है, एक है कंपलसरी मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन, ये हर देश को जो भी फिक्स किया गया है उसके अनुसार इतना कंपलसरी या मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन देना है, और दूसरा है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। ये दोनों तरीके का कंट्रीब्यूशन इसमें होता है, कंपलसरी और वॉलंटरी। कुछ वॉलंटरली देश जो जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर है वो यूनाइटेड नेशन को अपना फंड, अपना पैसा प्रोवाइड करते हैं। उस फंड से जो यूनाइटेड नेशन के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट बॉडीज हैं, वो फंक्शन करती हैं। परंतु कुछ ऐसी हैं जो अपना फंड जो है खुद लोकली भी जनरेट करती हैं, खुद से भी जनरेट करती हैं। अब एक ये कार्यक्रम है यूनाइटेड नेशन वेमेन, यूएन वेमेन कार्यक्रम, और इसका उद्देश्य है दुनिया में बेटर जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन के लिए काम करना, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, ये इसके काम हो गए। क्या क्या काम करती है यूनाइटेड नेशन वेमेन? जेंडर इक्वालिटी लाना, इसके लिए काम करना, एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना, और जेंडर मेन स्ट्रीमिंग। व्हाट इज जेंडर मेन स्ट्रीमिंग? किसी के लिए भी मेन स्ट्रीमिंग करना क्या होता है? लीड करना, मुख्य धारा से जोड़ना, मुख्य धारा से जोड़ना। जैसे जो विकास की मुख्य धारा है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, वहाँ पर पहले के समय में, अभी थोड़ा सा चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदल रही हैं, ज़्यादा नहीं बदली हैं, अभी और बदलने की ज़रूरत है, परंतु महिलाएं आज भी मुख्य धारा से अलग हैं। बहुत सी महिलाएं एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ये अनिवार्य उनके लिए नहीं माना जाता। ये समझा जाता है भाई लड़कियाँ पढ़ के क्या करेंगी, लड़कियों को क्यों नौकरी करनी है, आप घर में रहो, चौका चूल्हा करो और खाना बनाओ, ये आपका काम है। तो ये एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन से आपको अलग रखा गया है, जबकि जो आर्थिक व्यवस्था की इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम मुख्य धारा क्या है? एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, यहाँ से महिलाओं को या किसी क्षेत्र के लोगों को, ट्राइबल लोगों को, इन सभी लोगों को इस मुख्य धारा से अलग रखा गया है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों की जैसे हम बात करें, वो हमारी मुख्य धारा से अलग है। हम जितना भी नेशनल डिस्कोर्स होता है,
आप हम अब नेशनल डिस्कोर्स की बात करें, राष्ट्रीय जो चीज़ें हैं उनकी यदि बात करें, तो मुख्य धारा में क्या हम किसी नॉर्थ ईस्ट के नेता को जानते हैं, बड़े नेता को जिसकी कुछ से हो? क्या हम किसी बड़े उद्योगपति को जानते हैं? क्या हम किसी बड़े अभिनेता को जानते हो जो नॉर्थ ईस्ट रीजन का हो? नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि ये मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं। हमें ज़रूरत है, जबकि आज अगर देखें स्पोर्ट्स में जितना काम किया है उन्होंने ही किया है। आज के समय में स्पोर्ट्स, अगर ज़्यादातर जो मेडल आए हैं या तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आए हैं या तो हरियाणा से आए हैं, बाकी जगह से कुछ नहीं आया। तो हम, वो हमारे समाज में, देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उसके बावजूद वो मुख्य धारा में नहीं है। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है, तो हमें उन्हें मुख्य धारा में जोड़ना है। ऐसे ही जेंडर मेन स्ट्रीमिंग है कि महिलाओं को आपको मुख्य धारा में जोड़ना है। अगला जो संस्थान है वो है यूनाइटेड, ठीक है, UNCTAD, यूनाइटेड। और यूनाइटेड जो है इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये याद रखेंगे, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो जो व्यापार है, व्यापार के ऊपर और विकास के ऊपर ये एक समझौता, एक कॉन्फ्रेंस की गई, ताकि जो ट्रेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, विशेष रूप से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, उनके ट्रेड इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट इश्यूज के लिए काम करने वाला ये संस्थान है। बाद में एक्चुअली WTO बनने से इसका रोल जो है काफ़ी गौड़ हो गया, कम हो गया, क्योंकि WTO एक इंटरनेशनल और बड़ा बॉडी बन गया इस काम के लिए, ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा है। कुछ मुख्य रिपोर्ट्स ये पब्लिश करता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट। ये ऊपर की तीन चार रिपोर्ट्स, ये दो तीन इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स, तो इनको हमें याद रखना है कि यूनाइटेड कौन सी रिपोर्ट करता है। अगर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, आपको जानना है कि दुनिया में इन्वेस्टमेंट की स्थिति क्या है, किस देश में इन्वेस्टमेंट जा रहा है, किस देश से आ रहा है, तो आपको वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पर जाना होगा। तो ये सब ये यहाँ से प्रोड्यूस करता है UN, यूनाइटेड। UN हैबिटेट, अगला जो प्रोग्राम जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है UN हैबिटेट। UN हैबिटेट कार्यक्रम हमारे जो सेटलमेंट्स हैं, ह्यूमन सेटलमेंट, सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफी में एक सेटलमेंट शब्द होता है, तो सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? जहां इंसान रहते हैं। इंसान के सेटलमेंट कैसे कैसे हैं? सबसे बेसिक सेटलमेंट उसका गांव है, ठीक, जहां एक छोटा सेटलमेंट होता है, 100-500, नॉर्मली 5000 से कम लोग बस जाते हैं, वो एक गांव है। उसके बाद आता है टाउन या कस्बा, फिर आता है सिटी, छोटा शहर, फिर उससे बाद में आता है मेट्रो सिटी, जिसकी आबादी कम से कम 10 लाख है। तो ये जो अलग अलग तरीके के सेटलमेंट्स हैं, ये सब अलग अलग तरीके के सेटलमेंट्स हैं जहां इंसान रहते हैं या इंसानों का हैबिटेट है, तो इसको UN हैबिटेट कार्यक्रम बोला जाता है। और ये ह्यूमन जो हमारे हैबिटेट्स का सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करता है, ये एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। ये कैसे जो शहरी विकास है, सस्टेनेबल शहरी विकास हो। 1978 में इसको बनाया गया, नैरोबी केन्या में इसका हेड ऑफिस है। इसका उद्देश्य है प्रमोट करना सोशल एनवायरनमेंट सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, ऐसा ह्यूमन सेटलमेंट जो कि सस्टेनेबल हो एनवायरमेंटली और सोशली। इसने अपने कुछ
रिपोर्ट्स जो है इशू करता है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट पर, हैबिटेट कॉन्फ्रेंस इसको बोलते हैं। हर 20 साल में ये रिपोर्ट जनरेट होती है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें इसका महत्व मालूम पड़ेगा कि इनका क्या महत्व है। ठीक है, हर 20 साल में, 76 में बनाई इसने रिपोर्ट, 96 में और फिर 2016 में अगली, अब बनाएगा 2036 में। तो हमारे अर्बन सेंटर ज्योग्राफी में हम इसको इम्पोर्टेंट एरिया है, वहाँ पर भी हम इसको पढ़ेंगे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, अब एक और तीसरी चीज़ भी आ गई, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। पहले हमने पढ़ लिया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फिर हमने पढ़ा था आईफेड, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब हम बात कर रहे हैं WFP या फिर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फूड असिस्टेंस के लिए काम करता है, फूड असिस्टेंस के लिए काम करता है। इसका भी वही उद्देश्य है, हंगर एंड प्रमोटिंग फूड सिक्योरिटी। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है और जो डायरेक्टली हंगर के लिए काम करती है। 1963 में ये बनाई गई थी और इसका हेडक्वार्टर भी रोम में है। ठीक है, इन तीनों फूड और एग्रीकल्चर वाली ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम में है, याद करने के लिए एक आसान चीज है। इसको चलाया जाता है वॉलेंटरी डोनेशंस के द्वारा और काम करता है इरेडिकेशन एंड मेलन्यूट्रिशन के लिए। अगला कार्यक्रम है हमारा UNDP, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1965 में ये कार्यक्रम बनाया गया था। उद्देश्य था एलिमिनेट पावर्टी एंड अचीव सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, गरीबी को मिटाना और ह्यूमन डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको अचीव करना, ये इसका उद्देश्य है UNDP कार्यक्रम का 1965 में। इनमें से ज़्यादातर कार्यक्रम जो हम पढ़ रहे हैं इनको और सब्जेक्ट्स में भी हमें पढ़ना होगा, ये ध्यान रखिएगा। हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन UNDP कार्यक्रम हम इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में भी इसको टच अपॉन करेंगे, तो अलग अलग जगह हमें इन्हें पढ़ना है। तो अभी हम इसे एज एन इंट्रोडक्शन भी ले सकते हैं कि हमारे को इंट्रोडक्शन के तौर पर। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका काम है एलिमिनेशन ऑफ पावर्टी, कैसे दुनिया से गरीबी को हटाया जाए, गरीबी को मिटाया जाए और सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट को अचीव किया जाए। ये काम करता है डेवलपमेंट के लिए, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये शब्द इम्पॉर्टेंट है। आज के समय में हम अपने आसपास डिजास्टर तमाम तरीके के देखते रहते हैं, छोटे बड़े एक्सीडेंट्स हमें दिखाई देते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं सूखा पड़ रहा है, तो ये सब डिजास्टर्स हमारे आसपास हो रहे हैं और ये डिजास्टर्स की संख्या लगातार बढ़ भी रही है, उसका एक कारण क्लाइमेट चेंज भी है। तो कैसे डिजास्टर में जो खतरा है, रिस्क है, उसको कम किया जाए, लोग बाढ़ में ना मारे जाएं, लोग सूखे में ना हताहत हो, इस सब का ध्यान कैसे रखा जाए, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कैसे किया जाए। जब जैसे पहले कुछ साल पहले तक भी देखें तो जब वो आता था तूफान, जब बड़े जब तूफान आते थे तो 2-4-10 हज़ार लोग यूं ही मारे जाते थे। अब लगातार जब से हमने भी भारत में भी DDMA के लिए NDMA ने जब काम करना शुरू किया है, तब हमने देखा उड़ीसा में पीछे 2-3 बड़े बड़े तूफान आए जिनमें जो लाइफ का लॉस हुआ वो बहुत कम हुआ, 50-100 के आसपास लाइफ का लॉस हुआ। तो जो हजारों में होने वाला लॉस था वो हमने काफ़ी कम करके कुछ सैकड़ों में या 10 में लेकर आ गए। तो ये एडवांटेज होता है अगर हम प्लान तरीके से काम करें। और फिर क्लाइमेट चेंज, इससे कैसे डील करना है, तो इस सब को, इस सब के लिए ये UNDP कार्यक्रम काम करता है। और ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स को एनकरेज करता है कि हमें मानवाधिकारों को, मानव के अधिकारों को प्रमोट करना है, महिलाओं के अधिकारों को प्रमोट करना है और उनको सशक्त बनाना है, उनको मजबूत बनाना है।
ये एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम होता है HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये सन 1991 से UNDP कार्यक्रम के द्वारा जारी की जाती है, HDR रिपोर्ट या HDI इंडेक्स। व्हाट इज HDI इंडेक्स? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें क्या पता चलता है? मानव विकास सूचकांक, मानव मतलब कैसे विकास करता है उसके बारे में लिखा है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, हाउ दे हैव डेवलप्ड, हाउ मच दे हैव। नो सर, इसका सर क्राइटेरिया है सर हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम, ये सब। हेल्थ, एजुकेशन एंड पर कैपिटा, सही, बहुत बढ़िया। डेवलपमेंट प्रोग्रेस को नोटिस करता है। इसको हमारे देश के और पाकिस्तान के फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, उनके द्वारा बनाया गया था और 1990 के समय में बनाया गया था। 1991 में इसको UNDP कार्यक्रम ने अडॉप्ट कर लिया। जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले अगर एक शब्द बोला था कि हमारी जो विकास की अवधारणा थी 1980 आते आते ये विकास की अवधारणा बदलने लगी थी। दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, दुनिया में जो विकास की अवधारणा है, विकास का जो कॉन्सेप्ट है, वो धीरे धीरे तब्दील हो रहा था। वो तब उसमें क्या तब्दीली आई? उस विकास की अवधारणा में ये तब्दीली आई कि पहले हम केवल विकास को, जैसे आज भी हम विकास को, भाई कौन आदमी कितनी तरक्की कर रहा है, तरक्की का पैमाना हमारा क्या होता है? आपसे मैं पूछूं, आप 50 लोग हैं, आप में सबसे ज्यादा तरक्की किस में की है, तो हम कैसे नापते हैं? सर पर कैपिटा इनकम, तो जो ज्यादा संसाधन उसकी इनकम के बेस पे। 10 दोस्त हैं, आपस में आप बात करते हैं, जज करते हैं एक दूसरे को, तो आप तरक्की का पैमाना क्या मानते हैं? सर उसके एजुकेशन, उसकी इनकम। एजुकेशन कोई नहीं पूछता यार, क्या बात है, उसकी सैलरी, सर उनकी इनकम, रोटी कपड़ा और मकान, किसके पास कितना मकान है, कितना जो पैसा असेट कितने हैं और किसकी कितनी इनकम है, यही क्राइटेरिया है। हमारा एक दोस्त PhD होल्डर होगा और आर्थिक रूप से गरीब होगा, उसको कोई नहीं पूछेगा तुम। दूसरा दोस्त चाहे 10वीं पास हो पर उसके पास बढ़िया पैसा है, मोटा मकान है, बड़ी गाड़ी है, सब उसी को पूछोगे। ये हम सब की नेचर है, ठीक है। क्यों ऐसा है? हमारे को आपको क्या आता है इसको कोई वैल्यू नहीं करता। आपकी एजुकेशन क्या है, आपको कितना आता है, उसको कोई कीमत नहीं है। हमारे पास कीमत केवल किसकी है कि आपके पास कितना पैसा है, और यार उसके पास क्या गाड़ी है, उसकी क्या मकान है उसका, और वो तो उस कंपनी में काम करता है। ऐसे ही हम बात करते हैं ना, ऐसे ही हम सोचते हैं। IAS क्यों बनना चाहते हो? मतलब आप में से चाहे, आप में से बहुत से एग्री करें ना करें, पर हम IAS के इसीलिए प्रभावित होते हैं, अरे यार उसके पास देखो कितनी बढ़िया गाड़ी है, ठीक है, लाल बत्ती की गाड़ी लेके घूम रहा है और हर कोई उसे सल्यूट कर रहा है। तो हमारा जो DM के प्रति या किसी भी IAS मतलब जो इस सर्विस में आने का उद्देश्य क्या है? लाल बत्ती की गाड़ी, पावर का लोशन कि हर आदमी उसको सल्यूट कर रहा है, पैसा, दहेज, IAS लोग दहेज में करोड़ों रुपया ले रहे हैं और तमाम तरीके से कमा भी रहे हैं, वो भी एक सच्चाई है। तो हमारी अवधारणा में क्या है, ये ही हमारे डेवलपमेंट का क्राइटेरिया है, तरक्की का क्राइटेरिया है। अब ये बताओ क्या ये क्राइटेरिया सही क्राइटेरिया है? पैसा, पैकेज, ठीक है, जो 10वीं पास आपका दोस्त है, गाड़ी बहुत बढ़िया मोटी लेके घूमता है, अकल धेले की नहीं है, है ना, उसको बुद्धि की बात करो तो पैसे की बुद्धि नहीं है, मकान है पर प्रॉपर्टी डीलर है पर उसे आता जाता कुछ नहीं है। तो हमारी जो तरक्की की अवधारणा होनी क्या चाहिए, श्रेष्ठता की अवधारणा क्या होनी चाहिए? एजुकेशन है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिकली बहुत सही है, किसी का पैसा है, नेचर भी होना चाहिए व्यक्ति का, नेचर भी होना चाहिए, सोशल रेस्पेक्ट,
फाइनेंस 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 सोशल रिस्पेक्ट तो इसी से मिलेगा ना, हम सोसाइटी जैसे तय करेगी उसे किसका रिस्पेक्ट करना है, किसी सोसाइटी में जो एजुकेशन है, सोसाइटी ऐसी है आपको मैं बताना चाहूंगा कि वो अपने टीचर्स को बहुत रेस्पेक्ट करती है। जो वेस्टर्न सोसाइटी है वो अपने टीचर को बहुत रेस्पेक्ट करती है, वहाँ पर वहाँ के टीचर से प्रोफेसर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है वहाँ के प्रधानमंत्री को, और वो डिनाई भी कर देता है। ऑस्ट्रेलिया में मेरा ब्रदर है, उसने खुद बताया कि वहाँ के प्रोफेसर से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अपॉइंटमेंट मांगी और उसने कहा कि अच्छा मैं उस दिन आऊँगा। तो वहाँ पर ये सोशल रेस्पेक्ट है टीचर्स का। जो स्कूल टीचर्स हैं वो वहाँ पर कई देशों में हाईएस्ट पेड जॉब्स में आते हैं, सबसे ज़्यादा पैसे मिलने वाले, मतलब भारत देश में मेरे ख्याल से सबसे कम पैसे मिलने वाली जॉब होगी टीचर की, परंतु वहाँ पर वो जॉब जो है किसको मिलती है, सबसे ज़्यादा पैसा टीचर्स को मिलता है। क्यों मिलता है? सोशल रेस्पेक्ट एंड इम्पोर्टेंस के कारण, वो समझते हैं कि इसका सोशल रेस्पेक्ट है। अगर आप वेस्ट की बात करेंगे, वहाँ डॉक्टर्स का सबसे ज़्यादा सैलरी अगर किसी को है, रेस्पेक्ट किसी को है तो डॉक्टर्स को है। डॉक्टर टीचर ये सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है वहाँ पर। तो वहाँ पर आपकी नॉलेज का, आपके एटीट्यूड को वैल्यू करते हैं। और अगर हम डेवलपमेंट की सही धारणा देखें भी तो हमारे लिए शायद सही धारणा, पैसा भी एक धारणा हो सकती है, इनकम भी एक धारणा हो सकती है, परंतु इनकम शुड नॉट बी एन सोल क्राइटेरिया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे, हम अपने आसपास भी आप ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जिनके पास पैसा शायद अकूत हो, बहुत हो, करोड़ों में रुपया हो। क्या बोलते हैं, इधर गाजियाबाद की तरफ एक फेमस शब्द है कि ये मुआवजे वाले लोग हैं। मुआवजा यहाँ पर क्या, उनके पास बहुत सारे बड़े बड़े जमीनें थी, खेत थे, खेत को सरकार ने कब्जे में ले लिया और उसके बदले में उनको बड़ा बड़ा मुआवजा मिला है, करोड़ों करोड़ों रुपया उनको मुआवजे में मिला है। एक एक आदमी के पास दो दो चार चार दस दस करोड़ रुपया है। तो जैसे ही मुआवजा मिलता है, वो मुआवजे का क्या करते हैं, सबसे पहले लाते हैं एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, बाकी की पीते हैं दारू। तो वो उस सब पैसे का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा क्यों है, उनके पास इनकम तो है पर क्या नहीं है, एजुकेशन, एजुकेशन नहीं है। ठीक है, वो समझते नहीं है कि भाई अगर ये पैसा मिला है, ये दो चार दस बीस करोड़ रुपया मिला है तो इसको आगे निवेश करो, इसको निवेश करके कुछ अच्छा कुछ बनाएंगे। नहीं, वो एजुकेशन में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, अपनी हेल्थ को भी दारू पी पी के बर्बाद करें। अगला हमारा इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है हेल्थ, जिसे मुआवजा वाली क्लास है। इसमें ज़्यादातर लोग जो 40-40 साल के भी लोग हैं, वो आपको उनकी हालत ऐसी लगेगी 60 साल के, क्योंकि पैसा बहुत है, काम करने की कोई ज़रूरत है नहीं, पैसा मिल गया, गाड़ी बढ़िया निकाली, निकल रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर झगड़ा कर रहे हैं, उधर से निकल रहे हैं, इधर झगड़ा कर रहे हैं, कभी किसी को गालियाँ दे रहे हैं, कभी किसी से लड़ रहे हैं, रात को बैठ के अपना बोतल खोल ली और फिर काम चालू। तो ऐसे में हम क्या है, हम अपने डेवलपमेंट के पैरामीटर्स को गलत समझे बैठे हैं। हमारा जो डेवलपमेंट का पैरामीटर होना चाहिए वो कॉम्प्रीहेंसिव होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसमें सब चीज़ समावेशी होना चाहिए। हम एजुकेशन को भी वैल्यू करें, हम हेल्थ को भी वैल्यू करें, हम इनकम को भी वैल्यू करें। तो इसी सोच के साथ कि दुनिया में केवल जो है हमारा पैसा ही काउंट नहीं होना चाहिए, बल्कि अदर इंडिकेटर्स भी इसमें इंक्लूडेड होने चाहिए, इसी के आधार पर ये HDI इंडेक्स बनाया गया। और HDI इंडेक्स में तीन क्राइटेरिया लिए जाते हैं। इनकम के लिए जो क्राइटेरिया लिया जाता है पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन के लिए लेते हैं लिटरेसी रेट, ये आपके देश की साक्षरता दर कितनी है, और हेल्थ के लिए लिया जाता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, IMR,
मैं यहाँ नहीं सर, इसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। नहीं, इसमें मेन जो लेते हैं शायद ये लेते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है जिससे आप किसी देश के स्वास्थ्य सिस्टम को जज कर सकते हैं। मैं हो सकता है इसमें शायद कुछ गलत हो, कुछ कंफ्यूज हो सकता हूँ। इनके अंदर सब क्राइटेरियाज हैं, ब्रॉडली हम जिनकी बात कर रहे हैं तो ये तीन क्राइटेरियाज हमारे यूज किए जाते हैं HDI इंडेक्स के लिए। और HDI इंडेक्स के जरिए से हम ये जानते हैं कि कौन सा देश कितनी तरक्की कर रहा है। जैसे अगर हम भारत का उदाहरण लेते हैं और किसी देश का उदाहरण नहीं लेते, और ये कोई भारत की बुराई नहीं है, ये हमें समझना है कि भारत को अभी क्या काम करना है। जब तक हम अपनी प्रॉब्लम नहीं जानेंगे तो उसका सोल्यूशन भी नहीं जानेंगे। आपने सुना होगा कि भारत की जो GDP है वो दुनिया में कौन से नंबर पे आ गई है? पांचवा या छठे नंबर? छठे पे, पांचवे नंबर पे आ गई। हम दुनिया की सबसे, हमारी GDP सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हम दुनिया में छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। GDP का मतलब होता है, GDP जो शब्द है इसका एक्चुअली में मतलब होता है इनकम ऑफ कंट्री। ये हमारी बेसिकली नेशनल इनकम को निकालने का बेसिक पैरामीटर है, इसी से हम अपनी राष्ट्रीय आय निकालते हैं GDP से। तो आप एक तरीके से मान सकते हैं कि हमारे देश की इनकम जो है वो हमारी GDP है। तो भारत की जो GDP है, भारत की जो इनकम है, वो दुनिया में छठे नंबर पर है। मतलब हम अगर दूसरे तरह से देखें तो हम पैसे के मामले में, इनकम के मामले में दुनिया में छठे नंबर पर हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है पांचवे नंबर पे आ गए थे, या ऐसी घोषणा की गई थी। यस सर, आज तो गए थे लेकिन फिर एक कंट्री ने वहां पे प्लेस ले लिया था 5th रैंक पे। तभी मुझे वो पांचवा नंबर याद आ रहा है, 19-20 में शायद हम पांचवे नंबर पर थे, फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई करना छोड़ दिया तो मैं भूल गया। तो हम पांचवे नंबर पर थे और छठे नंबर पर वापस नीचे सरक गए हैं। इसका मतलब हमारे धम जो है दुनिया के पैसे के मामले में छठे नंबर के देश है। कितने गर्व की बात है, गर्व की बात है या नहीं है? बिल्कुल है सर। सर मेरे मानने में तो गर्व की बात नहीं है। नहीं है? अच्छा, क्यों नहीं है? हाँ, नंबर एक दो पर आना चाहिए और विकास करना चाहिए देश के लिए। छठे से अगर हम एक नंबर पे आ जाएंगे तो क्या होगा, ठीक हो जाएंगी सारी चीजें? नो सर, इंडिया सर 5th रैंक पे है सर, 5th पे। किसमें है? पांचवे पे है सर। पांचवे पर है? फिर तो यार तुम लोग सारे मुझे ही गलत साबित कर रहे हो। मुझे पता, ऐसा करो यार, मैं थोड़ा सा वैसे भी स्टूडेंट की बात ज्यादा मानता हूँ। तो हम दुनिया में पांचवे नंबर की इकोनॉमी है, तो तुम कह रहे हो जब हम पहले पे आ जाएंगे तब अच्छे हो जाएंगे। मतलब अगर थोड़े दिन और रुक जाते हैं तो शायद हम 10-20 साल में पहले नंबर पे भी आ जाए, तब हम अच्छे हो जाएंगे। 195 देश होंगे, 195 देशों में हमारे पास पांचवें सबसे देश है पैसे के मामले में। इंडिया इज 3rd रैंक इन द वर्ल्ड सर। हम पांचवे नंबर पर हैं, ठीक है, परंतु अब ये हमारा जो पांचवा नंबर है, ये हमारा केवल वही अवधारणा थी जो हमने पहली बार बात की थी, जो 1980 से पहले तक था, कि विकास कैसे नापना है भाई, आपके पास GDP और पर कैपिटल इनकम कितनी है, तो उससे ही हम विकास को नाप लेते हैं। पर आज के समय में ये अवधारणा, अगर मैं ये कहूँ हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कहाँ पर हैं, ये स्केल है, यहाँ हम पर हैं, ठीक है, और 131 में करें 131 जो रहते हैं उसकी इनकम इतनी नहीं है, कुछ आदमियों की इनकम है बस इसमें सबसे ज्यादा। तो ये हमारी देश का ये जो गैप है ये यहाँ पर है,
तो ये चीज हो सकता है हमें थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली खुश कर दे, परंतु अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, इंसान के विकास की बात करें, तो उस मामले में हम अभी बहुत बहुत नीचे हैं। कितने देश 131 में थे, टोटल देश कितने हैं? एक नंबर के 131 नंबर पर है HDI में, हम 131 पे हैं। ठीक है, तो ये हमारे देश का शॉर्टकमिंग है और ये हमें इंडिकेट करता है, ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये बताता है कि अभी हमारे को कितना काम करने की जरूरत है, कितना विकास करने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम, हो सकता है हमारी इनकम बढ़ जाए पर हमारी पर कैपिटा इनकम कम है, टोटल इनकम हमारी ज़्यादा है पर हमारा बेस भी बहुत बड़ा है, पहला इशू। दूसरा इशू, हमारी एजुकेशन बहुत गड़बड़ है, अभी भी हमें बहुत काम कर, हेल्थ में हम बहुत पिछड़े हुए हैं, हमारा जो अदर डेवलपमेंट पैरामीटर्स हैं उसमें हम फेल हो रहे हैं। तो ये सब कारण हैं जिनसे हम फेल होते जा रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स। तो इसी के लिए हमारा काम करता है यूएनडीपी। यूएनडीपी हमारे भारत में क्या क्या काम कर रहा है इसको अभी मैं छोड़ रहा हूँ। यूएनडीपी का ये जो इम्पोर्टेंट काम है वो है ये SDG गोल। इसकी फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सतत विकास के लिए कुछ लक्ष्य बनाए गए हैं, उन सतत विकास के लक्ष्यों को हमें पूरा करना है, ये यूएनडीपी कार्यक्रम का एक पूर्व उद्देश्य है। इससे पहले होते थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो कि सन 2000 में बनाए गए थे, जब हम एक नए मिलेनियम में एंटर किए थे। मिलेनिया समझते हैं? यस सर, जैसे 2000 मिलेनियल्स हैं, है ना? हम में से जितने लोग ज्यादातर बैठे होंगे, आप सभी लोग, वो सभी मिलेनियल्स हैं। इसका क्या मतलब होता है सर? इनका जन्म 2000 में हुआ, 2000 से पहले, 1900 से पैदा हुए, देखा है जो इधर पैदा हुए जो इधर आ गए, तो उन बच्चों को बोलते हैं हम मिलेनियल्स। क्योंकि हमने जो हजार साल की बदलाव है, 1000 से 2000 साल का जो बदलाव हुआ, नंबर का जो बदलाव हुआ, ये हम उसके विटनेस हैं, हम मिलेनियल्स हैं। तो ये टर्म भी कई जगह यूज होता है, मिलेनियल्स। तो हम लोग जो है, हमारी पीढ़ी जो है वो मिलेनियल है। और उस समय पर सन 2000 में यूएनडीपी ने अपने गोल्स बनाए थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2015 तक। आपको ये पढ़ना है, MDG नहीं पढ़ना, आपको SDG पढ़ना है। SDG क्या है? 17 इसके कोर एरियाज हैं शायद, और 107 उसके अंदर सब टारगेट्स हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूरी दुनिया के लिए बनाए गए हैं यूएन डेवलपमेंट द्वारा, कि किस किस तरीके से ग्लोबल गोल्स हैं, कैसे हमें पॉवर्टी को ख़त्म करना है, अपने प्लेनेट को बेहतर बनाना है और लोगों के जीवन को और बेहतर करना है, इसके लिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए गए। अगला कार्यक्रम जिसकी हम बात करेंगे वो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, बार 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 आता रहेगा, इकोलॉजी में भी पढ़ोगे, ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे, अखबार में भी पढ़ोगे। ठीक है, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये दुनिया भर में जो एनवायरमेंटल एजेंडा है आज के समय में, नो डाउट एनवायरनमेंट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, उसके लिए काम करता है। हेडक्वार्टर इसका नैरोबी में है। जो इसके 5 मेन थीमेटिक एरियाज हैं काम के, वो हैं क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट्स, इकोसिस्टम मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल गवर्नेंस, केमिकल एंड वेस्ट, रिसोर्स एफिशिएंसी, एनवायरमेंट अंडर रिव्यू, क्लाइमेट चेंज जो वातावरण में चेंज हो रहा है, पर्यावरण बदलाव, डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट, इकोसिस्टम जो हमारी
जैविक वो है व्यवस्था है उसका कैसे रखरखाव किया जाए, एनवायरमेंटल गवर्नेंस किस तरह से हमारी गवर्नेंस में हमें ध्यान रखना है एनवायरमेंटल इश्यूज को, केमिकल वेस्ट कैसे करना है, रिसोर्सेज की एफिशिएंटली कैसे यूज़ करना है, जो नेचुरल रिसोर्स हैं चाहे पानी है हवा है अदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको कैसे एफिशिएंटली हम यूज़ करें और एनवायरमेंट को रिव्यू कैसे किया जाए। न्यूज़ में था क्योंकि इसने भारत को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैम्पियंस ऑफ अर्थ करके ऑनर किया था, मोदी जी को यह अवार्ड दिया गया था चैम्पियंस ऑफ अर्थ। जो उनका खास काम है किसके लिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए मोदी जी का जो काम है उसके लिए उनको चैम्पियंस ऑफ अर्थ नाम का ये पुरस्कार यूएनईपी द्वारा दिया गया। ये महत्वपूर्ण काम है सोलर अलायंस बनाना, उन्होंने जो है दुनिया में सोलर एनर्जी के प्रसार के लिए ये काम करता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके लिए उन्होंने काम किया। इसके अलावा सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रतिबंध 2022 तक, अभी भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए उनको ये चैम्पियंस ऑफ अर्थ नाम का वो दिया गया। इसकी जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, इन रिपोर्ट्स का नाम आप कम से कम ऊपर की तो लिख ही लो, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, एमिशन गैप रिपोर्ट, एक्शन ऑन एयर क्वालिटी, राइज ऑफ एनवायरनमेंट क्राइम रिपोर्ट, इंटरपोल के साथ ये बनाता है। अब हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ी देर का 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 15 मिनट के बाद हम लोग एक असाइनमेंट शुरू करेंगे, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। हमें कुछ टॉपिक्स भी कल शायद हमने तय किया था, क्या चर्चा करनी थी, ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए थे, किस विषयों पर चर्चा करनी थी, कुछ चर्चा थी हमारी सर ऑप्शनल के सर ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्शनल के ऊपर ऑप्शनल की लैंग्वेज और एक्टर राइटिंग ऑप्शनल इस पर और करंट अफेयर्स सर करंट अफेयर्स सर न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर रीडिंग यस सर न्यूज़पेपर रीडिंग लैंग्वेज और न्यूज़पेपर इन तीनों पर ही बात करते हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। यस सर तब तक हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, 10 मिनट हम 9:30 पर वापस ज्वाइन करेंगे।
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। सर अभी आए ही नहीं है। Okay, thank you. उड़ीसा से भी है
कोई बताएगा मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर कब पढ़ाए थे? सर अभी वो स्टार्ट नहीं किए हैं, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है। रिवीजन क्लास है। अगर आप रेगुलर क्लास करेंगे तो सर डेली बताते हैं। नहीं, मेरे एक दो दिन क्लास छूटा हुआ है। हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। आप लोगों ने कुछ सवाल मुझसे पूछे थे, उन्हीं पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर मैं आपको एक असाइनमेंट देने वाला हूं। ऑप्शनल सब्जेक्ट सर। हाँ जी, ऑप्शनल सब्जेक्ट सर, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए सर। पहले सर न्यूज़ के बारे में बता दी। सबसे पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट, आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं इसके बीच में। पहले मैं एक बार अपनी बात ऑप्शनल सब्जेक्ट पर कंप्लीट कर देता हूं, और तब तक कोई हमारा फ्रेंड कुछ न्यूज़पेपर, कोई एक न्यूज़पेपर मिल जाए तो उसे ढूंढ लीजिए, या किसी दूसरी क्लास में न्यूज़पेपर पर बात कर लेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हमें लेना है यूपीएससी के अनुसार, हमें एक सब्जेक्ट ऑप्शनल, अब जब नए रूल आए तो उसमें केवल हमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है, एक सब्जेक्ट ऐसा लेना होता है जिसके ऊपर हमें दो पेपर देने हैं, 250-250 नंबर के पेपर होंगे। नहीं हाँ, तो ये जो है आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए अपीयर होने हैं, ये नंबर आपको यहाँ से आने वाले हैं। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए? देखो, सबसे पहला और बेसिक थंब रूल ये है, बेसिक थंब रूल कहता है कि आपको जो ग्रेजुएशन का अपना सब्जेक्ट है, आपने जिस भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की हो उसे आप लो। क्यों? क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जिसको, या आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो। अभी मुझे कंप्लीट कर लेने देना, तब मैं इसके आगे फिर सवाल लूंगा। 3 साल तक आपने अपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो 2 साल तक उस सब्जेक्ट को पढ़ा है, तो वो सब्जेक्ट आपको सिर्फ खोलना है और उसे रिवाइज करना है। रिवाइज कर लोगे तो आप सबसे ज़्यादा जस्टिस इसी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो जो आपने अपने ग्रेजुएशन के दौरान, जिसमें आपने अपना बीए, एमए, जो भी किया है उसमें आपने किया है, तो आपकी अगर उस पर सब्जेक्टिव पकड़ होनी ही चाहिए क्योंकि आपने उसमें ग्रेजुएशन किया है, तो आपको वो सब्जेक्ट सबसे पहली चॉइस आपकी वो होनी चाहिए। अब आते हैं अगले हिस्से पर कि ऐसा सभी बच्चों के लिए संभव नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो बीटेक बच्चे हैं, या कोई मेडिकल का स्टूडेंट है,
उसके लिए जो उनके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, जैसे साइंस में सब्जेक्ट होंगे मैथ्स, बॉटनी या जो भी सब्जेक्ट हैं, बीटेक में पूरे के पूरे चार साल के जो भी उन्होंने पढ़ाया जाता है उस चार साल का एक दिन में टेस्ट होता है। सेम चीज़ मेडिकल में भी होती है कि जितना पाँच साढ़े चार साल की पढ़ाई में होता है उस दिन वो आपको एक दिन के अंदर में लिखना होता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए कि हम लोग अब कई बार इस तरीके के सब्जेक्ट को चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इनको पढ़ना, इनका सिलेबस इमेंस होता है और वो भी आपको एक दिन में सारा सिलेबस करना है जो कि लगभग असंभव जैसा ही हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है किसी एक सब्जेक्ट को, इस तरीके के सब्जेक्ट को, साइंस के सब्जेक्ट को हैंडल करना। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपका ग्रेजुएशन लेवल पर वो सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको वो लेना चाहिए। मैथ्स, बॉटनी ये सब ऑप्शनल, कोई बुरे ऑप्शनल नहीं है, परंतु आपका उसमें कॉन्फिडेंस बहुत सुपर होना चाहिए, आपको पूरा भरोसा होना चाहिए कि मैं इसे कर लूँगा, इसे हैंडल कर लूँगा। तो ये हमारी ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात हुई। ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए आप इस कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में हैं, आप किसी भी कारण से अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को नहीं लेना चाहते। फर्स्ट कैटेगरी में तो वही लोग हो गए जो जिनका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था, आपको वही लेना चाहिए। तो अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं हिंदी लीजिए, इंग्लिश के स्टूडेंट हैं इंग्लिश लीजिए, वो आपके लिए सबसे सेफ ऑप्शन रहेगी, आपको उसमें सबसे कम मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर जो आपसे एक्सपेक्टेशन है ऑप्शनल में, वो ग्रेजुएशन बोलते हैं पर आपसे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की एक्सपेक्टेशन रहती है। तो आपने क्योंकि तीन साल वहाँ पर बिताए हैं उस सब्जेक्ट के साथ, तो आप थोड़ा बहुत जस्टिस कर पाएंगे, पर किसी नए सब्जेक्ट को लेकर वो चैलेंजिंग हो जाएगा। ये नहीं कह रहे कि हो नहीं सकता, पर वो मुश्किल होता है। तो पहली चॉइस तो हमारी उनकी वो रहनी चाहिए जो उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। अब जो लोग अपने ग्रेजुएशन को सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते उनके चॉइसेस की बात करते हैं। देखो मेरा अपना अनुभव ये कहता है, मैं हर बार यही सभी को समझाने की कोशिश करता हूँ कि आईएएस का एग्ज़ाम केवल जनरल स्टडीज़ का एग्ज़ाम रह गया है। पहले तो तब भी थोड़ा बहुत अंतर था, पर अब तो ये प्योरली जनरल स्टडीज़ का एग्ज़ाम रह गया है। मैंने आपको नंबर करके भी दिखाया था कि टोटल कितने, 1525 नंबर पूरे के पूरे आपके जनरल स्टडीज से ही आते हैं। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या है? आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जनरल स्टडीज, क्योंकि आप यहाँ पर नंबर स्कोर कर लोगे तो पास हो जाओगे, नहीं कर पाए तो फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे। अगर हमें कोई नया सब्जेक्ट लेना ही है, किसी भी कारण से हमने तय कर लिया है कि हमें भाई नया सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, हमारी कुछ भी मजबूरी है, तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें जीएस के सब्जेक्ट को ही अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाना चाहिए। जनरल स्टडीज के जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनको हम अपना ऑप्शनल बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो हमारे जनरल स्टडीज से बहुत नज़दीक से जुड़ता है, जो हमारे एसे के साथ बहुत करीब का रिश्ता रखता है, जो हमारे मेंस के पेपर के जितने क्वेश्चंस हैं उनके साथ बहुत नज़दीकी से जुड़ता है। अगला पॉलिटिकल साइंस और शायद इंटरनेशनल रिलेशन करके कुछ होता है, ये पेपर आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो, आप ज्योग्राफी ले सकते हो, आप हिस्ट्री ले सकते हो, इंडियन हिस्ट्री ले सकते हो, आप इकोनॉमिक्स अगर आपका सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में तो ये भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, पर आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, नहीं तो आप मत लो इकोनॉमिक्स। अगर आपका बैकग्राउंड है तो देन तो कोई डाउट ही नहीं है, यू शुड ऑलवेज गो फॉर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर UPSC। तो आपको करीब 30-35% पेपर इकोनॉमिक्स से ही आता है। तो हिस्ट्री एक ऑप्शनल हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ नहीं है, जनरल स्टडीज़ के कुछ कुछ सब्जेक्ट को मिला के, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा सा कुछ चीज़ें मिला के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट बन जाता है।
इसके अलावा और क्या सब्जेक्ट है? हिस्ट्री हो गया, क्या रह गया, कोई और सब्जेक्ट बताओ जो कॉमनली लिया जाता हो? एंथ्रोपोलॉजी सर, हिंदी साहित्य ले सकते हैं क्या? क्या चीज सर? सर लिटरेचर सर? हाँ बिल्कुल, लिटरेचर बहुत अच्छा कह रहे हैं ना, लिटरेचर बहुत बढ़िया है, पर लिटरेचर में आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर बैकग्राउंड है तब प्रेफर करो, अगर नहीं है तो मत प्रेफर करो। मैंने एक बार सुना, देखो अगर तुमने, मैं दोबारा से अपनी बात को दोहरा देता हूँ, अगर तुमने ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन करते समय इंग्लिश हिंदी ये तुम्हारे सब्जेक्ट थे, ऑनर्स तुम्हारा सब्जेक्ट था और तुम इसमें ठीक ठाक कर लेते थे तो तुम्हें ये लिटरेचर ले लेना चाहिए। अगर तुम वहाँ पर अच्छा नहीं कर पाए, अपने बीए एमए में नहीं अच्छा कर पाए, तो मुझे कोई वो नहीं है कि रातों रात तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी शक्ति प्राप्त होगी कि आप लिटरेचर को अच्छा कर लोगे। तो अगर आप बीए एमए में अच्छा नहीं कर पाए हो तब तो बिल्कुल मत लो, अगर आप अच्छा करते हो तो ले लो, अगर नहीं अच्छा कर पाए हो तो बेटर गो फॉर एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट। क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या करेंगे, आपने पॉलिटी पढ़ा तो आपने जीएस में जो पॉलिटी और इंटरनेशनल पढ़ना है वो बच गया आपका, आप क्योंकि यहाँ पर ऑप्शनल के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल ले रखा है तो ज्योग्राफी और आपका इकोलॉजी वहीं कवर हो गया, आपको अलग से जीएस के लिए नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है तो मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर ये आपका कंप्लीट हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फिर वही वापस पॉलिटी हो गया। तो आपको ऐसे सब्जेक्ट लेने हैं जो आपके ऑप्शनल के साथ ओवरलैप करते हो, अगर ओवरलैप कर रहे हैं तभी लो। ट्राई टू डेवलप अ स्ट्रेटेजी, ऐसा नहीं कि कोई अनोखा शब्द सब्जेक्ट ले लिया हमने अब हमें समझ ही नहीं आ रहा और उससे हमें कोई फायदा भी नहीं हो रहा। अगर हम सब ला ले तो अब आप अपने सवाल पूछ लीजिए जिसका जो सवाल हो, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, एक एक करके पूछिएगा। अब पूछिए सर, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी दोनों में, मतलब दोनों अच्छे लगते हैं, उनमें कैसे चूज करेंगे पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी? देखिए एक लास्ट चीज जो मैं बोलना भूल गया, मुझे कह देनी चाहिए थी, वो है आपका इंटरेस्ट। सबसे ज्यादा होना चाहिए आपको अपने इंटरेस्ट को देखो, ठीक है? अगर आपका इंटरेस्ट है किसी एक सब्जेक्ट में तो आप वही सब्जेक्ट पकड़ो, जिस जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता हो। अच्छा लगना सबसे जरूरी है, कोई आपको ये कहे कि इसमें रिजल्ट अच्छा आता है उसमें रिजल्ट अच्छा आता है ये कोई फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा नहीं है। ऑलवेज गो फॉर योर इंटरेस्ट, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। आपको किसी ने कह दिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लो आपको अच्छा लगता नहीं है, सोशियोलॉजी ले लो आपको अच्छा लगता नहीं है, तो फ़ायदा नहीं है, तब आप अपना नुकसान कर बैठोगे। जिस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना और लिखना अच्छा लगता हो वो सब्जेक्ट ले लो, ठीक है? और अच्छा दूसरा आपका सवाल, और अगर मैं स्पेसिफिक जाऊं तो आपको ये करना चाहिए, आप दोनों सब्जेक्ट को अभी से पढ़ना शुरू कर दो और ट्राई टू सी आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है। जनरल स्टडीज के लिए आपको दोनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पॉलिटी भी पढ़ना है ज्योग्राफी भी पढ़ना है, पढ़ना शुरू करो। अगले एक महीने तक, डेढ़ महीने तक पढ़ो दोनों सब्जेक्ट को एक साथ, पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा कि यार मेरे को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। हाँ जी बोलो सर, मैं झारखंड बोल रहा हूँ। एक आदमी एक एक करके बोले तो अच्छा रहेगा, और कुछ लोग अपने सोशियोलॉजी कैसा रहेगा? कौन सा? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी बहुत अच्छा ऑप्शनल है, बहुत अच्छा है, और झारखंड ऐसे में हेल्प करता है, अच्छा ऑप्शन है, नो डाउट, सिंपल है, छोटा है, और आपको कई जगह लेने पे कौन कौन सा पेपर कवर हो जाएगा सर? सोशियोलॉजी क्या हो जाएगा? सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेने पे कौन कौन सा पेपर कवर हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं समझा नहीं, कवर कवर कम हो जाएगा सही में पूछ। एक्सक्यूज मी सर, सर मेरा एक सवाल है सर। आप एक्सक्यूज मी सर, आप अपने सवाल चैट में भी लिखते जाइए, ठीक है? सभी लोग बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, एक करके बोले। आ, सपना आप बोलिए। तो सर बॉक्स नहीं आ रहा, सोशियोलॉजी थी। हाँ
तो मैंने सोशियोलॉजी सर मेरा एक अपना ऑप्शनल तो ठीक है सर दूसरे सब बंद रखिए हेलो सर आवाज आ रही है मेरी हाँ आवाज आ रही है आप बोलिए सर मैंने इकोनॉमिक्स मेरे पास इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी और इंग्लिश थे ग्रेजुएशन में तो मैंने सोशियोलॉजी लिया अपना ऑप्शनल इग्नू के तो ठीक है सर बिल्कुल सही है इकोनॉमिक्स अगर आपका बहुत स्ट्रांग नहीं है अगर ऑनर्स लेवल का इकोनॉमिक्स आपने नहीं पढ़ा है तो मत लो उसे क्योंकि वो इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है आप नाम के हिसाब से ही बोलिए सब लोग मत एक साथ बोलिए मिस्टर नंद नंद टी 3027 आप बोलिए हेलो सर आप बोल अब रुक जाइए एक मिनट मैं नाम से चलने दीजिए रेनु भारद्वाज आपका सवाल है हाँ जी सर सर मैं ये पूछ रही थी सर कि जैसे हम इग्नू से स्टडी कर रहे हैं सर मैं कॉलेज कर रही हूँ इग्नू से तो सर यूपीएससी के एग्जाम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना सर उसमें नहीं कोई आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए कहीं से भी करिए आपको एग्जाम पास करना है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और रेनू आप अपना लॉग इन सर रुक जाइए पूनम एक एक करके चल रहा हूँ मैं अब ऐसे एक्चुअली सभी से हो जाएगा पूनम आप अपना हैंड रेज कर दीजिएगा गुड मॉर्निंग सर हाँ बोलिए आपका सवाल सर मैं एक्चुअली पूछ रही थी कि केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह से तो कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते साइंस रिलेटेड नहीं नहीं बिल्कुल आते हैं केमिस्ट्री बायोलॉजी से आते हैं बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं इक्का दुक्का आते हैं पर आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन आते हैं ओके सर थैंक यू इंदिरा आप अपना सवाल पूछिए 3T3196 नहीं अमन आपका कोई सवाल है यस सर 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 मेरा क्वेश्चन सर ये है कि सर मेरी ग्रेजुएशन सर कंप्लीट हो चुकी है सर दिल्ली यूनिवर्सिटी से सर मैंने ऑनर्स किया है सर मैथ्स में तो सर शुड आई टेक मैथमेटिक्स एज माय ऑप्शनल बिल्कुल अगर देखो तुम कॉन्फिडेंट हो अपने ऑप्शनल के लिए यू शुड टेक यस सर कॉन्फिडेंट सर शुड कॉन्फिडेंट हो और ज्यादा से ज्यादा एक चीज और कर लो अगर आपको किसी को डाउट लगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लो अगर आपको लगता है कि आप उनको एड्रेस कर सकते हो अगले साल भी वही सवाल लगभग आने वाले हैं थोड़े बहुत बदलाव के साथ मेंस में सवाल काफी बार जो है प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं ठीक है ओके सर थैंक यू सर थैंक यू सर दृष्टि आपका सवाल यस सर सर आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दृष्टि आपका नाम दृष्टि है हां दृष्टि बोलिए यस सर सर आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटी जोधपुर सर लॉ एज एन ऑप्शनल कितना लेंथी होगा आर यू एलएलबी लॉ कर रही हो आप सर आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम एनएलयू जोधपुर नहीं इसमें ग्रेजुएशन में आपने क्या सब्जेक्ट पढ़े हैं सर ऑल लॉ सब्जेक्ट्स ऑल लॉ सब्जेक्ट्स देखो लॉ के बारे में मेरी बहुत ज्यादा वो नहीं है जानकारी नहीं है बस बेसिक इतना जानता हूँ कि कोई भी जो सब्जेक्ट आप ले रहे हो ऑप्शनल वो आपको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए आपका आंसर राइटिंग स्किल इतना होना चाहिए तो क्योंकि आप खुद लॉ की स्टूडेंट आप उसे देख सकती हो पर लॉ इज अ गुड सब्जेक्ट जैसा मैं समझ पाता हूँ क्योंकि लॉ में अल्टीमेटली फिर हम यही सब चीजें पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन उसमें भी होता है लॉ बहुत रिलेवेंट है सोशली भी बहुत काम हमारे आता है तो मेरे ख्याल से लॉ अच्छा ऑप्शनल हो सकता होगा पर आपका लेवल क्या है वो आपको खुद असेस करना होगा और सबसे आसान तरीका उसका है गो फॉर दी सैंपल पेपर्स पुराने ईयर्स के 4-5 साल के क्वेश्चन देखिए क्या क्या क्वेश्चन आते हैं अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो देन यू शुड गो फॉर इट ठीक है All right, sir. सपना Thank you, sir. सपना नहीं महावीर प्रसाद चावला साक्षी Good morning, sir. Am I audible? You are audible, very well audible. Okay, sir. So actually, मेरे graduation में subject economics, psychology, and sociology. मेरा एक honors economics है. I really want to take economics, but my parents are keen to go with the sociology because economics is very vast and they think that success rate is very low. So what should I do, sir? Sakshi, I have already answered this question.
देखो मैं हमेशा एक बात बोलूंगा, मैं ये बोलता हूँ इकोनॉमिक्स मेरा भी, मेरे को भी एक बहुत अच्छा लगने वाला सब्जेक्ट है और यूपीएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इसमें से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं, हर साल करीब 25-30 क्वेश्चन मैं देखता हूँ फ्री में आपके इकोनॉमिक्स से ही आ जाते हैं। और इकोनॉमिक्स अगर आपका है और आप इंटरव्यू बोर्ड तक पहुँचते हो तो देन इट मेक्स अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑल्सो। बट राइडर उसमें यही है कि इकोनॉमिक्स आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो डिफिकल्ट चीजें लेना कई बार अच्छा रहता है, पर अगर आप उस बीच में ना फंस जाओ, आपको इतना भरोसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैंने किसी को मैथ के लिए भी यही बोला था कि आप जब कोई डिफिकल्ट ऑप्शनल ले रहे हो, डिफिकल्ट ऑप्शनल आपको पे कर देगा प्रोवाइडेड यू आर एबल टू जस्टिफाई दैट। पर ऐसा ना हो कि आप मझधार में अटक जाओ। अगर आपको डर लगता है कि यार मैं कितना कर पाऊंगी, आपको देखो अपना पढ़ते समय ये पता होगा कि आपने कितना इकोनॉमिक्स में किया है, तो उसके अनुसार सोचो। अगर आपको लगता है कि इकोनॉमिक्स ले सकती हो, स्ट्रॉन्ग है तो लेना, नहीं तो गुड ऑप्शन। सर मुझे एक और चीज पूछना था, 3-2 मिनट में पूछ सकती हूँ क्या चीज? दोबारा बोलो। हाँ सर, मुझे एक और चीज पूछना था कि मुझे सिर्फ न्यूज पेपर पे ही फोकस करना चाहिए, उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, बिकॉज मुझे साइंस इतना पसंद नहीं। कुछ सवाल है, देखो अगर साइंस की हम बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट रिलेवेंस के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कुछ क्वेश्चन बेसिक साइंस पे आते हैं। हमें 6ठी 7वीं की एनसीईआरटी बेसिक साइंस में हेल्प करेगी। बायोलॉजी फोकस रखना है, बाकी फिजिक्स आपके काम नहीं आता इतना, केमिस्ट्री भी लगभग बहुत कम काम आएगा, बायोलॉजी आपको काम आ जाएगी अगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो। ठीक है, ओके साक्षी। रवि हेलो सर। रवि आप बोले। हेलो सर, आई एम ऑडिबल सर। यू आर वेरी वेल ऑडिबल, कैरी ऑन सर। जैसे कि मेरी अभी ग्रेजुएशन चल रही है सर लॉ में। ओके तो सर अगर हम देखते हैं सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस भी हम कवर कर लेंगे, पर कभी कभी लगता है कि दोनों चीजें ना वास्ट हैं, जीएस भी हमारी वास्ट हो जाती है और कहने मतलब हमारा ऑप्शनल भी वास्ट हो जाता है, तो हम दोनों को कवर कैसे करें सर? ऑप्शनल क्या लेना चाहते हो? लॉ लेना चाहता हूँ सर, लॉ ऑप्शनल। लॉ, हाँ सर। अगर देखो ये चीज लग रही है कि लॉ ऑप्शनल तुम्हारा बड़ा हो रहा है, किसी के लिए भी, सभी के लिए, मैं जो भी एप्लीकेबल स्टूडेंट है उनके लिए बोलूंगा कि अगर आपको लग रहा है बड़ा तो यू कैन गो फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह टाइप चीज है, जिसमें चीजें थोड़ी काफी अब्रिज हो जाती है, उसमें काफी कुछ आपके लॉ वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं तो वो उसमें आएगा, कुछ चीजें उसकी ओवरलैप कर जाएंगी, कुछ आपको एक्स्ट्रा सीखनी होंगी, तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोच सकते हो, उसका सिलेबस भी छोटा है। अच्छा सर, ठीक है फिर कहने मतलब। हाँ सर, लेकिन मैंने पीछे के पेपर देखे हैं सर, तो हमें लगता है कि कहने मतलब हम लॉ ऑप्शनल में ही उसे तोड़ लेंगे। पीछे के पेपर से देखो, अगर तुम डाउट में हो, अगर कॉन्फिडेंट हो तो ठीक है, अगर तुम अभी कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आगे तो कॉन्फिडेंस और कम होगा, तो अगर डाउट में हो तो यू शुड गो फॉर सम अदर्स ऑप्शनल। देखो छोटे ऑप्शनल में कोई शर्म नहीं है, वो आपके काम आते हैं। श्याम, लेट्स गो टू श्याम। श्याम आप अपना सवाल पूछिएगा। हाँ जी, हेलो सर, सुनाई दे रहा है सर? मैं झारखंड से हूँ, तो सर झारखंड का जो PCS है श्याम, स्टेट PCS, उसमें सर मेंस में एक भाषा साहित्य का अलग से 150 का क्वेश्चन है, मतलब आता है सवाल, पेपर है, तो सर मुझे कौन सा मतलब ऑप्शनल पेपर लेना चाहिए यहाँ, क्योंकि स्टेट PCS में PCS के लिए। अच्छा मैं फ्रेंड्स आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, देखो मैं लोकल PCS के बारे में जानकारी कम रखता हूँ, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर रखता हूँ, उसके आगे नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैंने PCS ज्यादा दिए नहीं है,
मैं इतना समझता हूँ जितना मैं समझ पाया पीसीएस एग्जाम को कि पीसीएस एग्जाम में सिलेबस मोर ऑर लेस यूपीएससी वाला आता है, काफ़ी आता है, और अभी के कुछ सालों में और बढ़ा है। पहले जैसे पैटर्न अलग होता था, यूपी का पैटर्न मैंने कुछ समय पहले देखा था, काफ़ी हद तक उन्होंने इसके साथ कर दिया है। अदर स्टेट्स में भी जो यूपीएससी के पैटर्न पर आ गए हैं, और साथ के साथ में पीसीएस में इतना ही अंतर होता है कि वो थोड़े स्टेट सेंट्रिक हो जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, बाकी पीसीएस के बारे में मैं आपको कोई राय नहीं दूंगा क्योंकि मैं गलत हो जाऊंगा तो मुझे दिक्कत लगेगी। सवाल ये है कि मुझे ऑप्शनल में कौन सा पेपर लेना चाहिए, क्योंकि भाषा साहित्य में है तो हिंदी भी यूपीएससी में भी ले सकते हैं। धीरे बोल रहे हैं या मेरे को सुनाई कम दे रहा है, एक बार थोड़ा तेज बोलना। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए कंफ्यूजन में हूँ। हाँ हाँ बोलो। क्योंकि सर स्टेट पीसीएस में भी भाषा साहित्य का 150 नंबर का अलग पेपर है सर। ओके। तो यूपीएससी के दृष्टिकोण से और स्टेट पीसीएस के दृष्टिकोण से मुझे हिंदी साहित्य लेने में ही ठीक होगा, मैं यही। तुम्हारा हिंदी साहित्य का बैकग्राउंड कैसा है? सर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ सर। अच्छा इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, बस चलो छोड़ देते हैं उस बात को। हिंदी अच्छी लगती है, पढ़ लोगे? क्योंकि तो मैं तो कोई भी सब्जेक्ट है पढ़ना ही है, तुम अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो तो तुम चाहे सोशियोलॉजी और हिंदी, तुम्हारे लिए दोनों ही एक बराबर है। सब इक्वल है। यस सर। तो फिर तुम साहित्य ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ठीक है। हेलो सर, लिटरेचर एज एन ऑप्शनल अच्छा है सर, क्योंकि मेरा मीडियम भी हिंदी ही है। हाँ नहीं, पर ये ध्यान रखना कि जो भी सब्जेक्ट हमें पढ़ना है ये हिंदी का बेसिक नहीं आता है, आता एडवांस लेवल का पेपर है। जो भी पेपर आएगा वो एडवांस लेवल पे आएगा, ठीक है? चलो प्रीति से बात। हेलो सर। हाँ हेलो सर, बोलो सर। सर मैं अयुब बोल रहा हूँ, अयुब से। सर मैंने अभी ग्रेजुएशन किया है। सक्सेसिवली चल रहे हैं, एक सेकंड रुक जाते हैं, सभी लोगों को एक बार बात कर लेते हैं, मेरे ज्यादा नहीं है, थोड़े से रह गए। प्रीति, सैफ सर। हाँ बोलिए सैफ। सर जैसे मेरा भी बैकग्राउंड सर इंजीनियरिंग रहा सर, तो मैं समझ लिया। एक मिनट रुकिएगा, सैफ बोल रहे हैं, सैफ आप बोलिए, कंप्लीट करिए। यस सर। सर मैं बोल रहा हूँ जो मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ सर, और जैसे मेरा मतलब ऑप्शनल हिंदी साहित्य लेना चाहते हैं, और मेरा बैकग्राउंड सर अच्छा रहा है सर, मतलब मैट्रिक इंटर मैंने हिंदी में सर बेटर किया है, तो सोच रहा है कि अब मैं हिंदी के साथ जा सकता हूं, क्योंकि मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट है। ये जरूर रहेगा आप दोनों लोग का, आपसे प्रीवियस वालों का, कि आप इस चीज को भी जज कर लीजिएगा कि हिंदी साहित्य आपको जीएस में हेल्प नहीं करेगा। ये आपका एक कैच है जहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर आपको दूसरा ऑप्शनल लेना है, अगर देखिए हिंदी साहित्य आपका बैकग्राउंड नहीं है, आप क्या कर रहे हैं कि आप हिंदी साहित्य ले रहे हैं, आपके लिए दोनों सब्जेक्ट, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, आप इंजीनियरिंग से बीटेक हैं जी सर, है ना, और आपके पास हिंदी को चुनने का या कोई दूसरा ऑप्शनल, लेट्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों में से किसी एक को चुनने का वो है। अगर आप हिंदी चुनते हैं तो हिंदी में ठीक है, हिंदी कंफर्टेबल होती है, हमारी मातृभाषा होती है, हम लिख सकते हैं पढ़ सकते हैं निश्चित रूप से। हिंदी में आपको पढ़ना पड़ेगा और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा, पर जो हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपको जीएस में हेल्प नहीं करेगा। पर अगर जैसे हमने पब एड पढ़ा या पॉलिटी पढ़ी या ज्योग्राफी पढ़ी या हिस्ट्री पढ़ी फॉर दैट मैटर, तो ये सारे सब्जेक्ट आपके जीएस में आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका जो ऑप्शनल है अगर वो आपको पढ़ना ही है, तो अगर ऐसा ऑप्शनल मिल जाए जो मेरे जीएस को स्ट्रॉन्ग कर दे, क्या होगा मुझे फिर, नहीं तो ये चीज़ अलग पढ़नी पड़ेगी, हिंदी अलग पढ़नी पड़ेगी। तो मैं इसलिए ये सुझाव दूंगा कि आप इस चीज़ को जरूर वेट कर लेना, इस चीज़ को जरूर देख लेना कि भाई अगर मैं जीएस लूँगा, अगर मैं पबेड लूँगा या ज्योग्राफी लूँगा तो मुझे मेरे जीएस में हेल्प मिलेगी, हिंदी लूँगा तो नहीं मिलेगी, ये एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा। हेलो सर। हाँ जी, अगला कौन बोल रहा है? थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ एक सेकेंड रुकते हैं, अब प्रीति पर चलते हैं। प्रीति आप बोलिए।
सर मैं ये कह रही हूँ कि मेरा ग्रेजुएशन साइंस एंड जूलॉजी से है तो मेरा मतलब है कि अगर मैं जूलॉजी से आगे ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रखती हूँ और अगर मैं उसमें मतलब साइंस में तो पॉइंट टू पॉइंट ही आंसर लिखे जाते हैं और ज्यादातर उसमें डायग्राम बनाए जाते हैं, अगर मैं डायग्राम उसमें बनाती हूँ और आंसर्स जो है पॉइंट टू पॉइंट लिखती हूँ तो क्या उसमें डायग्राम का बेनिफिट मिलेगा या फिर मुझे जीएस की तरह बिल्कुल थ्योरेटिकल ही करना? ग्रेजुएशन में कोई भी एग्जाम में मेंस का एग्जाम जैसे हमारे स्कूल कॉलेज में कोई भी एग्जाम होता था वैसे ही होता है और डायग्राम तो निश्चित रूप से आपको बेहतर नंबर दिलवाएंगे। और आपको अगर जूलॉजी में कॉन्फिडेंस है तो गो फॉर जूलॉजी, ठीक है। और एक और चीज मैं सभी को ऐड करूंगा क्योंकि अगर जो ग्रेजुएशन में जिनका सब्जेक्ट अगर वो ले रहे हैं जैसे आप अगर जूलॉजी ले लेंगी आपको फायदा ये रहेगा कि यू कैन फोकस मोर ऑन प्री। अभी आप सारे लोग अपनी प्रायोरिटी में रखिए प्री। देखिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मैक्सिमम स्टूडेंट फेल कर जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप प्री की के लिए तैयार नहीं है, प्री क्लियर नहीं कर पा रहे, आपके ऑप्शनल को करने का कोई फायदा नहीं है, आपका कभी यूज में नहीं आएगा। समझ रहे हो इस बात को आप? अगर आपने प्री क्लियर ही नहीं किया तो आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा कभी क्वेश्चन, और जब लिखना नहीं पड़ेगा तो आप कहीं पहुंचेंगे नहीं। और ध्यान रखो ये बात आप में से बहुतों को बुरी भी लग सकती है बट आई एम वेरी फ्रेंकली टेलिंग यू मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर गेटिंग स्टक अप इन दैट प्रिलिमिनरी लेवल। अगर आपने अपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट लिया है जैसे आपने जूलॉजी ले लिया तो आपको बड़ा फायदा रहेगा। आपका जिस दिन प्री खत्म होता है, मान लीजिए 5 जून को आपने प्री दिया और आपका 5 जून को पता चल जाएगा आपको शाम को कि भाई मैं कट ऑफ से ऊपर हूँ या कट ऑफ से नीचे हूँ। अगर आप कट ऑफ से ऊपर हैं आपके पास मेन शुरू होने तक 3 महीने का समय आपको मिलेगा। 3 महीने में आप सारा अपना जूलॉजी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, तो और साथ साथ आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा इंसिस्टेंस ये रहेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट उठाओ ताकि आप प्री पर ज़्यादा फोकस कर पाओ। फोकस करो प्री पर, पास करना है पहले प्री, तभी आप मेन्स में जाओगे। और एक बार प्री पास हो जाएगा, मैं बार बार दोहराता रहता हूँ, प्री को सीरियसली लेंगे और वो पास हो गया तो हमारा कम से कम कुछ बनना तय हो गया। जो भी बच्चा प्री पास कर लेगा वो कुछ ना कुछ जरूर बन जाएगा, वो फिर वहां से पीछे नहीं लौटेगा। तो मैं इसलिए कहता रहूंगा भाई प्री को क्लियर करो, प्री प्री ये ही मेरा सब कुछ है, ये मेरे को बनाएगा कुछ, क्या बनाएगा ये डिफरेंट हो सकता है पर बनाएगा यही, ये मेरा गेटवे है। एक बार मेरा प्री क्लियर हो जाएगा मेरा स्टेट के पीसीएस भी क्लियर होने लगेंगे, मेरा यूपीएससी क्लियर होने लगेगा, और अगर क्लियर होने लगा तो कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ जरूर बन जाऊंगा। छोटा बनूंगा बड़ा बनूंगा वो समय बताएगा, पर बनूंगा जरूर या बनूंगी जरूर, ठीक है। अच्छा आगे हम प्रीति के बाद चलते हैं, सैफ से बात हो गई। भावेश आपका कोई सवाल है? सर मैंने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर से किया है तो मैं ऑप्शनल में हिस्ट्री लेना चाहता हूँ। ले लो बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया है। नौकेज सर मैं ये बोल रहा था जैसे आप सर व्हाट्सएप के ग्रुप बनाएंगे सर तो उसे आप रोल नंबर वाइज कह रहे थे तो सर अगर हम ज्यादा डाइवर्स ऑप्शनल ना ले रखे हो हमने तो ऑप्शनल वाइज बना सकते हैं क्या सर? पॉसिबल है सर ये? देखो फिर भी मैं अपनी स्ट्रेटेजी पे आ जाऊंगा, ठीक है वो कर सकते हैं जो तुम कह रहे हो वो भी कर सकते हैं तो उसके लिए एक और बना देंगे। पहले देखो पहला हमारा काम क्या है प्री के लिए, अभी मेरे दिमाग में सिर्फ ये घूमता है, मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये काम ये मैं क्लियर करा दूँ किसी भी तरीके से। अगर ये करा लूंगा ना तो मुझे आगे पता है कि मैं आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर पहुंचा दूंगा, पर अगर मैं यहाँ नहीं आपको यहीं पर अटका दिया तो वो नहीं होगा। इसलिए मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता है, इसलिए मेरी प्रायोरिटी ये है और सबको ये जीएस करना ही करना है। हम ये कर लेंगे जब ये ग्रुप्स बन जाएंगे तो हम ऑप्शनल के लिए भी एक मैसेज डाल देंगे कि भाई किस किस का ऑप्शनल क्या है, बच्चे अपना रोल नंबर और ऑप्शनल लिख देंगे, जैसे हिस्ट्री वाले अपना ऑप्शनल लिख दें, बायो मतलब जो भी ऑप्शनल हैं वो अपने अपने लिस्ट बना दें और उनके फिर कॉमन ग्रुप बना देंगे तो हमारा काम उसमें हमको एक कॉमन ग्रुप मिल जाएगा अपने दोस्तों का, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, एक सेकंड चलते हैं। सलोनी आपसे बात हो गई थी शायद, जोनिशा
जोनिशा कोई सवाल है आपका? राहुल, हाँ जोनिशा बोलिए। हेलो सर, एक सेकंड रुक जाइएगा, जिसका नंबर है उसे बोल देने दीजिए। नहीं, राहुल डेविड आपका सवाल है, मेरे ख्याल से लगभग सबके सवाल कंप्लीट हो गए। हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, आइए बाकी। हेलो सर, राहुल आप बोल रहा है या मैं बोलूं सर? हाँ राहुल आप पहले, अयूब बोलेंगे। सर मैंने सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, तो सोशियोलॉजी मैंने खाली ग्रेजुएशन तक पढ़ी है, तो वो ऑप्शनल में ठीक रहेगी क्या? बिल्कुल ठीक रहेगी यार, ये सर ये चर्चा हम कर रहे, बिल्कुल ठीक। वही सर, वही डाउट था सर, क्या मैं एक पर्सनल सवाल शेयर कर सकता हूँ? बारी बारी, सॉरी सर इसके लिए। वो आप व्हाट्सएप करिएगा। चलो ठीक है, थैंक यू सर। ओके अय्यूब, आप बोलिएगा अपना सवाल। हेलो सर, सर मैं बता रहे हैं। हाँ अय्यूब आप बोलिए प्लीज। हाँ सर, मैंने कॉमर्स से किया है ग्रेजुएशन, पर सर कहता मुझे कॉमर्स के मतलब जो ऑप्शन लेने सर थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है, क्योंकि सर लॉकडाउन में उतना स्टडी नहीं हो पाया कॉमर्स के हर सब्जेक्ट का, तो मैं सर मैं हिस्ट्री अपना ऑप्शन चुनूँ वो बेटर रहेगा? मैं हिस्ट्री में सर। हाँ सर, हिंदी, अरे हिंदी देखो वैसे भी जैसे कहता सबको आसान। अच्छा हिस्ट्री, हाँ हिस्ट्री ठीक है, मैंने आपको पहली बार ही बताया, देखो जनरल स्टडीज के जितने सब्जेक्ट हैं, जो 8-9 सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट है, उनमें से कोई भी सब्जेक्ट ले लो आपको फायदा रहेगा, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा। जीएस के जो सब्जेक्ट है उनमें से किसी को लोगे, अगर आप जीरो पे खड़े हो तो अच्छा रहेगा। चलो अभी ऑप्शनल बंद करते हैं, अगला टॉपिक हमारा था लैंग्वेज, भाषा को लेके। हेलो सर, अभी इस टॉपिक को यही खत्म कर रहा हूँ, अगले टॉपिक पे चलते हैं। सर सर, हेलो सर, अब बोलिए सर, बोल रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेने पे जीएस में हेल्प करेगी क्या? कौन सी ऑप्शनल? सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेने पे जीएस में हेल्प करेगी? बिल्कुल हेल्प करेगी, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर। ओके अभी हम चलते हैं लैंग्वेज पर। लैंग्वेज पे वैसे हमने चर्चा की हुई है कि हमें भाषा कौन सी लेनी चाहिए, मीडियम कौन सा लेना चाहिए, इसकी बात कर लेते हैं कि भाषा क्या लेनी चाहिए। भाषा में देखो रीजनल लैंग्वेज को तो मैं अभी नहीं वो दे रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दो हमारी ऑप्शनल हैं। पहले भी हमने वैसे इस पर चर्चा की हुई है कि मुझे हिंदी मीडियम में लिखना चाहिए या इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहिए। जहाँ तक मीडियम ऑफ एग्ज़ाम की बात है, आप अपनी स्कूलिंग जरूर चेक कर लेना कि आपने स्कूल कॉलेज किया किस भाषा में है। अगर आप किसी एक खास भाषा में, जैसे आप हिंदी में पढ़ते चले आए हो, तो फिर चेंज मत करो, मीडियम वही रखो जो आपका मीडियम है। अगर आपने इंग्लिश किया है तो फिर इंग्लिश में रखो। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो बीच में हो सकते हैं, जिनकी इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, बहुत अच्छी नहीं आती है, तो अगर आपको कंफर्टेबल है कि आप आंसर्स लिख सकते हो, तो मैं प्रेफर हमेशा ये करूँगा, प्रेफरेंस इंग्लिश को दो भाषा के मीडियम के तौर पर। अगर मैनेज कर सकते हो तो आप भाषा पर, भाषा के मतलब मीडियम के तौर पर इंग्लिश को लिखो, इंग्लिश में लिखो, क्योंकि इंग्लिश में मटेरियल ज़्यादा है, इंग्लिश के प्रति थोड़ा सा बायस है, सब कुछ इंग्लिश के फेवर में है। तो अगर आप इंग्लिश में आंसर लिखने की योग्यता रखते हो तो देन यू शुड गो फॉर इंग्लिश मीडियम, अगर नहीं रखते हो तो मत जाओ, फिर हिंदी में ही रहो। हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, ये सोचना बंद कर दो कि नहीं हिंदी वालों का रिजल्ट ख़राब होता है, ये होता है, वो होता है, ये सब बातें अपने मन से निकाल दो। कॉन्फिडेंटली फेस करो एग्ज़ाम को, हार्ड वर्क करो। अगर आप इंग्लिश वालों से ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे तो निश्चित आप हिंदी से भी एग्ज़ाम निकाल लोगे। सर इंग्लिश में मार्किंग में फ़र्क होता है क्या सर? क्या होता है? इंग्लिश की मार्किंग में सर फ़र्क होता है क्या, इंग्लिश से अगर वही चीज़ लिखे हम? नहीं, मार्किंग में फ़र्क नहीं होता। देखो ऐसा तो नहीं है मार्किंग में फ़र्क होता है, ऐसा नहीं होता है। नंबर एक जो फ़र्क, जो सबसे ज़्यादा फंडामेंटल फ़र्क आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको मटेरियल की अवेलेबिलिटी पर। भाई आपको पढ़ने के लिए किताब की ज़रूरत है, स्टडी मटेरियल। हेलो सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। अरे रुक जाओ एक सेकेंड, मुझे एक बात कम्प्लीट कर लेने दो, ठीक है। पढ़ने के लिए किताब की ज़रूरत पड़ेगी, स्टडी मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप हिंदी और इंग्लिश में कंपेयर करोगे तो पहले तो खैर बहुत कम होता था, अब बढ़ गया है। हिंदी में 70% है तो इंग्लिश में 70% है तो हिंदी में मटेरियल 30% ही मिलेगा।
तो इससे क्या हो जाता है, जब आपको अच्छा मटेरियल नहीं मिल रहा है तो आपकी तैयारी भी अच्छी नहीं हो पाती है, ये इसका चैलेंज है। परंतु ठीक है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, हम हिंदी के हैं तो हम हिंदी में रहना चाहिए, अगर मटेरियल नहीं है तो हम बना लेंगे, हम इंग्लिश के मटेरियल को हिंदी में कर लेंगे अपने लिए, तो ऐसे कई सारे हम रास्ते ढूंढ सकते हैं। तो आप अगर हिंदी के हैं तो हिंदी में मेहनत करिए, मटेरियल ढूंढिए, हम भी आपके साथ रहेंगे, तो आप निश्चित रूप से इसमें एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। पर ये मत समझिएगा कि हिंदी आपको रियायत नहीं देगी, हार्डवर्क आपको उतना ही करना पड़ेगा, इंग्लिश से ज़्यादा हार्डवर्क करोगे तो आप हिंदी से भी निकाल सकते हो। वही मैं कहूँगा कि देखो, जो डिफ़िकल्ट चीज़ होती है ना वो बाद में आसान हो जाती है। आपने डिफ़िकल्ट ऑप्शनल लिया, जब डिफ़िकल्ट ऑप्शनल लेके आप बोर्ड के सामने पहुँचते हो तो हर कोई ये देखता है कि अच्छा ये बच्चा ये लेके आया, इकोनॉमिक्स लेके आया, तो वो आपको अलग पर्सपेक्टिव से देखता है, वो आपको रन ऑफ मिल नहीं देखता है। अब मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया अगर, तो क्या होगा, वो कहेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अरे ठीक है, मतलब पास हो गया होगा। पर अगर इकोनॉमिक्स से पास होता है तो लोगों की नज़रें बदलती हैं। तो ये बुनियादी फ़र्क हमारे नेचुरल बायस रहता है। आप हिंदी मीडियम से आके अगर बोर्ड के सामने जाओगे और गांव के देहात से आप अगर आते हो तो बोर्ड आपको रेस्पेक्ट करता है, बोर्ड अप्रिशिएट करता है इस बात को कि यार ये बच्चा है, ये बच्ची है, ये अपने इतने मुश्किल हालात के बावजूद यहाँ तक पहुँचा है, तो हमें इसको ड्यू कंसिडरेशन देना चाहिए। तो ये हमारे यूपीएससी की सच्चाई है। और कोई सवाल इससे संबंधित, नहीं तो हम अपने असाइनमेंट पर आ जाते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम अपने असाइनमेंट को, हाँ अभी के लिए मैं बंद कर रहा हूँ ये सेशन, फिर हम अपने असाइनमेंट को शुरू कर रहे हैं। ओके सर। अच्छा, आपका असाइनमेंट ये है कि आप सभी लोग अपने स्टूडेंट लॉगिन से जाएंगे, और यहाँ पर ये स्टार्ट प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं, 33-34 क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं। मैं चाहूँगा कि हर बच्चा इसको अटेम्प्ट करे, तो आप अपने मोबाइल से इसको शुरू करिए। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस किए हुए हैं, आपको इनको प्रैक्टिस करना है, और ये सारे क्वेश्चन धीरे धीरे आपके सामने आने बंद हो जाएंगे। जब सारे के सारे बंद हो जाएंगे तो आपका ये असाइनमेंट ओवर हो जाएगा। तो आप इस असाइनमेंट को अभी सारे के सारे लोग शुरू करिए। मैं देखूंगा पीछे से कि आप में से कितने लोग कर रहे हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो लॉगिन वगैरह वाली तो वो मुझे अलग से पर्सनली व्हाट्सएप कर दें। तो आप लोग इसे शुरू करिए, मैं भी ऑनलाइन हूँ आपके साथ में, और कोई भी समस्या होगी तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, हेलो सर। हाँ जी, अब आप इसे शुरू करें, अभी बाद में बाकी बातें हम करेंगे। क्वेश्चन का आंसर शो करना हो तो कैसे करेंगे उसमें? आंसर शो नहीं होगा, आंसर शो बिल्कुल नहीं होगा, आपको इसे अटेम्प्ट करना है। नाम सबमिट विच डिमांडेड, इस पहले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार की विस्तार करने वाले गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में बैठक कब हुई थी? इस सवाल चला गया क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो गया था। तो ये कहाँ हुई थी? ये जकार्ता में हुई थी। अब अगर आप गलत आंसर करोगे तो आपको ये बता देगा कि गलत है, तो कम से कम आपको ये पता रहना चाहिए कि ये ऑप्शन गलत है, तब आप उसे स्किप कर सकते हो। जैसे ये जकार्ता इसकी ऑप्शन है, ठीक है, उसने आपको बता दिया कि है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ यूएन, आंसर बताइए। इनमें से कौन सा यूनाइटेड नेशन की एजेंसी नहीं है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सी नॉट एन एजेंसी। ये सवाल आपके रिपीट करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये जान के ऐसा बनाया गया कि रिपीट करेगा। आपको पता है इसका आंसर सी है, आप सी करिए। Which of the following is not an agency? फिर आ गया वापस, ये इसमें कुछ गड़बड़ है, अभी ये स्टेबल नहीं है, पर ये हो।
नाम जकार्ता, ठीक है, इसका आंसर जकार्ता। ये क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी करते जाइए, आपके सामने से गायब हो जाएंगे आपका स्कोर। ये तीन क्वेश्चन हमारे लर्न कैटेगरी में आ गए, दो क्वेश्चन हमारे यहाँ से गायब हो जाएंगे। अब वो क्वेश्चन हमारे को वापस नहीं मिलने चाहिए, इसको अभी थोड़ा इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। पर मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग, अभी क्वेश्चन आ गया, दिस ईयर 1995 इज गोल्डन जुबली ईयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। किसका है गोल्डन जुबली 1995 में मनाया गया था? WTO का, यूनाइटेड नेशंस, नाम गैट और एशियन। सर एशियन, एशियन, ऐसे एशियन, एशियन का भाई कौन से साल में बनाया गया था? तुम सारे गलत कैसे कर रहे हो भाई? गोल्डन जुबली का मतलब क्या होता है? 50 गैट होगा सर, 50th anniversary. संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग कौन सा है जिसने अपनी ऑब्जेक्टिव को, जो उसका काम था वो पूरा कर लिया है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ट्रस्टीशिप काउंसिल। हमने अभी पढ़ा 1994 में बंद हो गया, उनका काम बंद कर दिया गया क्योंकि काम पूरा हो गया। डी, जो जो क्वेश्चन आप यहाँ पे सक्सेसफुली पूरे करते हैं। यूनाइटेड नेशन बॉडी डील्स विद पॉपुलेशन प्रॉब्लम, कौन सी करती है इसमें से पॉपुलेशन प्रॉब्लम को? तीनों की एब्रिविएशन बताइए, UNFPA, UNDP, UNICEF, UNESCO। फुल फॉर्म याद होगी तो आप इसका आंसर तुरंत कर देंगे। UNDP सर, UNESCO सर, ए ऑप्शन, UNESCO सर, ए है, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी, ए है सर, ए है, यूनाइटेड नेशन, यस सर, ए ऑप्शन। ठीक है, इसके एब्रीवेशन, मैं इसलिए आपको हमेशा बोला कि एब्रीवेशन करो करो। FPA इज फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, UNDP इज डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNICEF इज चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। टाइम पूरा हो गया हमारा, एक मिनट के अंदर हमें ये आंसर करना है, जितना जल्दी करेंगे फिर हमारे को ये यहाँ पर रिपीट नहीं शो हो रहा है। इसको ये मैं करेक्ट करा दूंगा, अभी ये फेल कर रहा है हमें क्योंकि हमने इसे टाइम से नहीं दिया। ठीक है, इसमें हमारे दो हमने अटेम्प्ट कर दिए, जो हमने अटेम्प्ट नहीं करे, जो लर्नड है वो चला जाएगा। नए क्वेश्चन ऐसे 33 क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि आप ये सारे क्वेश्चंस को पूरा करिए। तो ये आपका असाइनमेंट है, अगले 25-30 मिनट, आप 10 मिनट, आप 15 मिनट इसको करिए और फिर मैं आपको वापस ज्वाइन करता हूँ। तो मैं आपको 10:30 बजे वापस ज्वाइन कर रहा हूँ, आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सारे लोग 10:30 तक करिए, फिर हम आगे की चर्चा से चलाएंगे। हेलो सर, हाँ जी, हेलो, हेलो सर, बोलिए सर, कल क्या हमारी क्लासेस होंगी? कौन है सर? इसमें तो 5 ही क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन सबमिट होने के बाद रीस्टार्ट करिए उसे, हर बार रीस्टार्ट करते रहिए। ओके सर, ओके, वो धीरे धीरे अपने आप खत्म होते जाएंगे। यस सर, आप जो क्वेश्चन अभी करा रहे थे हमारी स्क्रीन पे सर, वो शो नहीं हो रहे थे, दूसरे क्वेश्चन शो हो रहे थे सर। हर एक के अलग अलग होंगे, कोई क्वेश्चन सर, सब क्या सर अभी। हेलो सर, हाँ सर, अभी हम करके देखे सर, इसमें परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है सर, 5 किए इसमें से, मतलब 3 सही हो गए, 2 सर इसमें 10 पॉइंट स्कोर 10 देखा है सर। 10 स्कोर अच्छा नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 20 स्कोर आना चाहिए आपको। इसमें हर एक में 20 करना होगा, इसमें एक लॉजिक है, इसमें एक पीछे लॉजिक काम करता है। वो लॉजिक ये देखता है कि आप कौन से क्वेश्चन को सही करते हैं, अगर बार बार आप एक ही क्वेश्चन को सही कर रहे हैं वो क्वेश्चन वहां से गायब हो जाता है, दैट क्वेश्चन यू हैव लर्न्ड। तो कोशिश ये है कि ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए,
33 क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। तो धीरे धीरे करके हम हर रोज आपको ऐसे कुछ कुछ, हर रोज नहीं तो हर हफ्ते में ऐसे असाइनमेंट, हफ्ते में 2 या 3 असाइनमेंट दिए जाएंगे जिनको आपको लर्न करना है। इस लर्निंग से आपके दिमाग में जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। और ये असाइनमेंट में आप सभी से 100% एक्सपेक्टेशन है कि हर स्टूडेंट इसको पूरा करेगा, ठीक है? तो आप अभी से कंप्लीट कर लेते हैं, हम यहाँ ब्रेक ले रहे हैं। सर मेरा सेक्शन ओपन नहीं हो रहा टेस्ट वाला। हेलो हेलो यस बोलो। हेलो सर, इसमें कैटेगरी चूज करने के लिए आ रहा है जब वो टेस्ट का लॉगिन कर रहे हैं तो। हाँ तो हमें वो कैटेगरी चूज करना है, अपने इंटरनेशनल रिलेशन चॉइस करके फिर आगे करना है।
हेलो हेलो हाँ जी बोलिए सर, मैं सपना बात कर रही हूँ, गुड मॉर्निंग। इसमें क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, आपको सेम ऑप्शन लगाइए उसको, आगे बढ़िए। सर मैं 4-5 बार कर चुकी हूँ, पर रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चन बार बार। कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है? सर मैंने 4 बार अब तक कर लिया। वो एक्चुअली आप एक बार भी गलत करोगे तो वो रिपीट करता रहेगा, वो जब तक रिपीट करेगा जब तक आप लगातार उसे 3 बार सही नहीं करोगे तो। ठीक है, तो आप ध्यान से करिए, वो खत्म तभी होगा जब आप उसे लगातार सही करेंगे, मतलब 100% जब एफिशिएंसी आपके अंदर आएगी तभी वो गायब होगा। चलिए इस एक्सरसाइज को ब्रेक देते हैं, ठीक है, और आप लोग भी, बाकी लोग भी इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं। अब आप क्लास के बाद इसको कंप्लीट करिएगा असाइनमेंट को। एक दो चीज़ मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है या तो कुछ स्टूडेंट एक भी क्वेश्चन, करीब 60 क्वेश्चन ही ऐसे 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ क्वेश्चन को लर्न कर पाए हैं, बाकी नहीं लर्न कर पाए हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। हम सब अपनी मेहनत करनी होगी, जितने स्टूडेंट्स हैं आपको हार्ड वर्क करना होगा और इस असाइनमेंट को पूरा करना होगा। एक दो दिन में मैं आपको एक और सरप्राइज टेस्ट देने वाला हूं, जो एमसीक्यू पैटर्न पर जैसे यूपीएससी का होता है उस तरीके का रहेगा। तो आपको अपनी परफॉर्मेंस को लगातार इम्प्रूव करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नई नई चीज़ों को सीखना है, नए नए फैक्ट्स को सीखना है, अपने को बेटर करना है। आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो अच्छी या बुरी दोनों तरीके की तो शेयर कीजिए। सर 5 बार सर, 15 ही आ रहा है स्कोर सर मेरा। 5 बार करने पर? हेलो 15 स्कोर दिखा रहा है मेरा सर। 15? यस सर। नहीं वो नए, देखो हर बार क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, अगर आप गलत करोगे तो नंबर कटेंगे ही, जब सही करोगे तो नंबर मिलते जाएंगे, तो वो नंबर मतलब जैसे कर रहा ना तो उससे मतलब 4 बार किया हम, मतलब हर एक बार 15-15 स्कोर दिखा रहा है। क्योंकि कुछ ना कुछ गलत, आपका आइडियल स्कोर 20 होना चाहिए, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा देखो धीरे धीरे करके इसको आपको खत्म करना है। ये आपकी स्क्रीन पर 0 क्वेश्चन दिखने चाहिए, हमारा एम क्या है, अल्टीमेट एम है कि मेरी स्क्रीन पर ये जो मैंने 33 चीज पॉइंट सीखे, आप इनको रिवाइज कर लो, चाहे तो पहले एक बार पढ़ लो उनके बारे में फिर उसके बाद करो, पर यही बेटर है। क्या चीज यही बेटर रहेगा, पहले कंप्लीट रिवीजन के बाद ही अटेम्प्ट कर, पर साथ साथ आपको कंप्लीट भी करना है भाई। देखो हम 15 दिन से तो ये पढ़ रहे हैं, 15 दिन से हम इंटरनेशनल अभ्यास कर रहे हैं, तो क्वेश्चन सर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं सर जी, ठीक है, इतने अच्छे भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, यूपीएससी के लेवल से क्वेश्चन काफी अच्छे थे, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे थे सर, प्रैक्टिस के लिए। हेलो स्पीड एक्यूरेसी भी सिखा रहा था सर। हेलो एक्यूरेसी आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है, और ये हर रोज कोशिश करेंगे, 2-3 दिन में आपको ये नए क्वेश्चन आते रहे जी। हेलो 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 सर। सर मैंने भी सर 5 बार ट्राई किया जिसमें से 4 बार 15 आया और 1 बार 20 आया सर। नंबर से देखो घबराओ मत, कोई बात नहीं, देखो मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, नंबर से मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है, मैं नंबर से ना डरूँ, नंबर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने भी नंबर आए उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि मेरे ये जितने क्वेश्चन हैं ये कंप्लीट हो जाने चाहिए, फाइनली मेहनत करते 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 एक दिन ये मेरे सारे क्वेश्चन यहाँ से गायब हो जाएंगे, वो मेरा एकदम बेस्ट तरीका है सर ये, इसमें बहुत सी चीजें सर याद रख सकते हैं, आपको मेमोराइज मुझे तो बहुत अच्छा लगा सर, आपको याद रहना चाहिए। अब जैसे G7 इंक्लूड, अब आपको अगर G7 अच्छे से याद है तब तो आप या इसे कर पाओगे, नहीं है तो आपको किताब आप साथ साथ चाहो राइट हैंड साइड इटली था सर, एक और सर, तरीका प्रैक्टिस करने के लिए एक बेस्ट मेथड है सर, आंसर नोट करते रहे क्वेश्चन के साथ, आंसर नहीं, आंसर नोट मत करो, जो भी सवाल आपको लगे कि नहीं ये सवाल मेरा गलत हो रहा गो G7 नहीं मुझे याद आ रहा मान लीजिए, तो मैं G7 के लिए क्या करूंगा, G7 खोलूंगा, व्हाट इज G7, एक और स्क्रीन खोलिए जिसमें लिखी है व्हाट इज G7, G7 या गूगल कर देते हैं, लेट्स से G7 2 मिनट में दिख गया,
कौन कौन से हैं, कनाडा, फ्रांस, जी 15 कंट्रीज वाला जो क्वेश्चन है, आई थिंक ऑप्शंस तो उसमें प्रॉब्लम है। किसमें सर? जो जी 15 कंट्रीज के अबाउट क्वेश्चन है ना रिगार्डिंग कि व्हाट इज इट जी 15, तो सर इट्स अ डेवलपिंग कंट्रीज, तो ऑप्शन में है ऑप्शन, बट मेरा आंसर गलत बता दे रहा है। अच्छा सर, मेरे कैसी बता रहा है? ये गलत बता सकता है, ये हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन गलत हो। अगर कुछ क्वेश्चन गलत होंगे आपको मुझे रिपोर्ट करने पड़ेंगे, मैं उनको ठीक करवा दूंगा। हेडक्वार्टर ऑफ यूएनएससीआर इज लोकेटेड, कहां पर लोकेटेड है इसका? मान लो नहीं पता, क्या कर अगर नहीं मान लेते हैं तो यहाँ मैं यहाँ खोलूंगा यूएनएससीआर, साथ के साथ देखता भी जाऊंगा यूएनएससीआर क्या है। इट्स अ हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, कहाँ सिचुएटेड है जी? है जेनेवा में सिचुएटेड है। लेट्स से चलो मैं इसका आंसर अब जेनेवा लगा। सर स्क्रीन शेयर कर दो एक बार, स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। हाँ स्क्रीन शेयर नहीं की होगी तो आपको ना साथ के साथ, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन कोई मुझे नहीं आ रहा, विच ऑर्गन हैज सीज्ड टू बी ऑपरेशनल? ट्रस्टीशिप काउंसिल। आता हो उसको साथ के साथ गूगल कर लो, नोट कर लो कि ये सवाल मुझे नहीं आया था। हेडक्वार्टर ऑफ यूएनएससीआर अभी हमने पढ़ा, यूएनएससीआर कहां पर है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ये याद कर लिया। ये याद कर लिया इसका हेडक्वार्टर कहां है, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। कब बनाया गया? 1950 में बनाया गया। अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जेनेवा। मैंने तीन चीज और याद कर ली एससीआर के बारे में, अभी मेरा सही आंसर हो जाएगा। मेरा एक अनअटेम्प्टेड रह गया, चार मेरे करेक्ट हो गए, मेरे को ये हो गया, दो एक क्वेश्चन मैंने लर्न कर लिया। हर सक्सेसिवली हम लर्न करते जाएंगे, और मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको पूरा करना, क्योंकि जब नए क्वेश्चन ऐड होंगे और आपने अगर मान लीजिए पुराने क्वेश्चन लर्न नहीं किए हैं, तो आपको फिर वही वाले क्वेश्चन पहले दिखाता रहेगा। आई होप मेरी बात को आप समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसमें 20 क्वेश्चन और ऐड, यस सर, पर आप पहले 30 क्वेश्चन पे ही अटके रहोगे, तो आपको उस लेवल को बढ़ते जाना है। ये गेम के जैसा है, जैसे गेम में एक लेवल होता है ना, जब आप उस लेवल को क्रॉस नहीं करें तो आप उसी लेवल पे अटके रहोगे, आपको लेवल क्रॉस करके लेवल 2 पे आना पड़ेगा, तभी वो नए क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको इसलिए मैंडेटरी हो जाएगा ये असाइनमेंट, अगर आपने नहीं किया तो आप लगातार पीछे छूटते जाएंगे, तो आप इसको जरूर कर लीजिएगा। मैं आपकी अटेंडेंस और कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा मैं ये दिखाना चाह रहा था कि मैंने एक काम करने की कोशिश की है, कुछ बच्चों को की क्लासेस मिस हो जाती हैं या जो भी कारण है, यहाँ पर आपको एक वीडियो लिस्ट, जो वीडियोज है, ये वीडियो जो भी क्लासेस हुई है वो क्लासेस में ये 20 तारीख की क्लास है, इसे लगातार बाकी सारी क्लासेस, जैसे ये 18 तारीख की क्लास, जो भी क्लासेस हुई हैं वो यहाँ पर आपको दिखते रहेंगे, 14 तारीख की क्लास, जो जो क्लासेस हमने रिकॉर्ड की हैं वो यहाँ पर, वो इंटरनेशनल, केवल इंटरनेशनल की क्लासेस यहाँ पर अभी अवेलेबल है। तो ऐसे करके हम यहाँ पर अपनी क्लासेस को भी व्यू कर सकते हैं। इनको एडिट करने की अभी जरूरत है, उसके लिए अभी मेरे पास टाइम और आदमी दोनों नहीं है, जैसे होता है उनको मैं एडिट भी करा दूंगा, ताकि जो चीजें हैं उनको और बेहतर स्मूथ किया जा सके। तो ये अभी तक का हमारा काम है, आपको असाइनमेंट पूरा करना है, आपको आगे का लेसन पढ़ना है। ये यहाँ से हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी से कल हम लोग क्लास कर सकते हैं, किसी को आपत्ति? जिन लोगों को कल की क्लास में आपत्ति हो वो बोले। और मुझे दिक्कत है सर थोड़ा। चलो कोई नहीं, एक आध सर मुझे भी प्रॉब्लम है। आप आपके लिए भी रिकॉर्ड हो जाएंगे, चैनल रिकॉर्ड क्लास मिल जाएंगे आपको। क्लास का हम शेड्यूल मेंटेन करते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड क्लास फॉलो कर लीजिएगा, वो आपको क्लास मिल जाएगी, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को फिर एंड करते हैं। कल हमारी जो पहली क्लास होगी वो 8 बजे होगी, सेम जो हमारी
एथिक्स वाली क्लास या बुद्धिज्म वाली क्लास या जो भी आप उसको नाम रखो, वो क्लास सशक्तिकरण की जो क्लास है वो आज होगी। इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, चंद्र बाजू से। चलिए तो आज की क्लास को हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।